श्रीमद युगल सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कई दिन से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, खास तौर से गला, लेकिन बोलना है क्योंकि बहुत कुछ क्या अभी सभी विषय अधूरा पड़ा है। हाँ, तो मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे अनंत जन्म बीत चुके और क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, अतः हम लोगों ने अनंत जन्मों में अनवरत इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए प्रयत्न किया, किंतु अभी तक जहां खड़े थे वहां भी नहीं है और पीछे हटते जा रहे हैं और कर्म कर करके बंधते जा रहे हैं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण, तीन प्रकार के कर्मों का बंधन, उन बंधनों से जन्म ये धारा प्रवाह चल रहा है। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से इन प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता, अतएव शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया और वेदों शास्त्रों पुराणों आदि के द्वारा बताया गया कि तीन तत्व सनातन हैं, ब्रह्म जीव माया। उन्हीं तीनों में एक तत्व हम लोग भी हैं, अर्थात मैं। इस मैं के विषय में बहुत विस्तार से इसके प्रत्येक लक्षण बताए गए कि ये मैं नाम का जीव जहां रहता है स्वयं भी जीवित रहता है और उसको भी जीवित रखता है, जैसे हमारे देह को। और बताया गया कि ये ब्रह्म का अंश है, उसकी शक्ति है और ब्रह्म से इसका भेदाभेद संबंध है। जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति है, अंश है, लेकिन ये डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के अंश नहीं है। श्री कृष्ण की तीन शक्तियां बताई गई, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। यह जीव जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए इसको तटस्थ शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान महाचेतन और जीव चेतन है, किंतु माया जड़ है, अत उसका स्थान जीव के पश्चात है। तो ये तटस्थ जीव से भगवान का अनंत संबंध है, ऐसा कहो कि केवल भगवान से ही संबंध है, भी नहीं। ये माया विशिष्ट है, कभी हुआ है माया विशिष्ट, ऐसा नहीं है, सदा से माया विशिष्ट है। इससे भगवान से कोई मतलब नहीं है कि भगवान ने माया विशिष्ट कर दिया है। ये अनादिकाल से मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम्, ये माया शक्ति है। परास्य शक्तिर् विविधैव श्रूयते, वेद कह रहा है 6-8 श्वेताश्चतुरोपनिषद्। एषा माया नारसिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संघरति तस्मान् मायामेतां शक्तिं विद्यात्। निसंगतापनीयोपनिषद 3-1।
शक्तित्वा नानृतम वेद्यम, शांडिल्य ने कहा शक्ति होने से इसको मिथ्या मत कहना। भगवान ने चैलेंज किया था दैवी हेशा गुणमयी मम माया, ये माया दैवी है, दैवी है और मम है, दो शब्दों पर ध्यान दो, ये मेरी शक्ति है इसलिए दैवी है। इसलिए इस माया को केवल मैं जीतता हूं और कोई नहीं जीत सकता। मैं जिस पर कृपा कर दूं और इशारा कर दूं माया को, छोड़ दे, बस वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है। कोई साधन नहीं है जो ये मिथ्या मिथ्या का बकबक करने वालों को माया से उत्तीर्ण करा दे। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा धन्यो हम कृतकृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्रहात्, मैं माया से उत्तीर्ण हो गया हूं। हाँ जी आप हो गए होंगे, हम मानते हैं, अरे आप भगवान शंकर के अवतार हैं, लेकिन कैसे हुए जरा संसार को बता तो दीजिए। नित्यानंद स्वरूपो हम पूर्णो हम त्वदनुग्रहात्, भगवान की कृपा से हुआ, अनुग्रहात् तदनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न च मोक्ष सिद्धिर् भवितुमर्हति। प्रातुत श्रुते 2-3-40 के भाष्य में लिखा, भगवान की कृपा से जो ज्ञान होगा उसी से ये माया से मुक्ति होगी। कोई साधना नहीं है ऐसी, करोड़ कल्प तक कोई प्रयत्न करे, चतुर्मुखादि नाम सर्वेशाम भक्त्या बिना कोटि कल्प भीर मोक्षो न विद्यते, त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8:1। करोड़ कल्प तक कोई हो, ब्रह्मा हो कोई हो, जीव साधारण, इनकी गिनती क्या है। ओ इसीलिए तो सब ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मा जब भगवान से प्रकट हुआ तो भगवान ने कहा सृष्टि करो, जैसे संसार पहले था वैसे ही बना दो, आउट कर दो, प्रकट कर दो, कुछ नहीं कर सकते। बड़ी समाधि लगाया हजारों वर्ष, आम नाद्य गच्छत 2-9-5 भागवत, संवत्सर सहस्रांते दिया योग विपक्वया 3-6-38 भागवत, न पश्यति त्वाम परमात्मनो जनो न बुध्यते द्यापि समाधि युक्ति भी 9-8-22 भागवत, नाहं न जूयं यदृतां गतिं विदुर न वाम देवा किमुता परे सुरा। ब्रह्मा कह रहा है मैं भी नहीं जानता उसको, नारद जी तुम भी नहीं जानते, शंकर जी भी नहीं जानते, हेलो जानन्ते एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे विभो मनसो बपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। लोग कहते हैं मैं जान सकता हूं, जानता हूं, पागल है, बोलने दो 10-14-38। कई अनुभेद वतावर जन्म नयोग्रसरम, कोई नहीं जानता।
अब ब्रह्मा से बड़ा कौन सा विद्वान है जो दावा करेगा। तो माया से उत्तीर्ण होने का दावा करने वाला हाफ नहीं फुल मैड। शिव चतुरानन देख डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। शिव विरंची का मोहई को है बपुरान, नारद भव विरंच सन कादी। जे मुनि नायक आत्मवादी। अब माया के अंडर में है तब तक जब तक भगवत कृपा पात्र न बन जाए, और भगवत कृपा पात्र बन जाए तो काक भुचुंडी कौआ भी माया को मारे लात। तो ऐसी एक माया शक्ति है जो हमारे ऊपर सदा से हावी है, और भगवान से जीव का भेदाभेद संबंध है। इस विषय में बहुत डिटेल में आपको वेदों से, वेदांत से और भागवत से, गीता से समझाया गया। देखो वेद में चार प्रकार के विरोधी मंत्र हैं, संक्षेप में समझो। नंबर एक निर्गुण निराकार, एष आत्मा पहत पापमा बिजरो बिमृत्युर बिशोको बिजघत्सो पिपासा। ये निराकार है और साकार भी है। देखो एक ही मंत्र में सत्य काम सत्य संकल्प ये सगुण भी है, निर्गुण भी सगुण भी। और देखो अभेद ईशावास्यमिदग्वं सर्वं ईशावास्योपनिषद। एक पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। तीन पंद्रह श्वेताश्वतरोपनिषद। सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् भागवत द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। 2:5:14। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत्। 10:42। मत्तः परतरं किंचिन्नान्यदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम्। सब कुछ एक ब्रह्म है। एकम सद् विप्रा बहुधा वदन्त एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्जयमान लोकानि सत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:2। एको हवै नारायण आसीत् न ब्रह्म नेशानः। चतुर्वेदोपनिषद 1 मंत्र। केवल एक भगवान है, एक ब्रह्म है, ये भी है और ये भी है। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे भिहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथुगात्मानम्। संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीशा। द्याग्यौदा बजा वीशनीशा बजा येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता। क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरक्षरात्माना वीशते देव एका। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्। 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:12। द्वे विद्ये द्वे अक्षरे ब्रह्म परे 5:1। तमाम वेद मंत्र
बता रहे हैं कि तीन तत्व है, द्वास पर्ण सविजा सकाया, दो भी बता रहे हैं और उनमें गुण भी बता रहे हैं। अतो नंते न तथा ही लिंगम, 3-2-25 वेदांत। यो वा अनंतस्य गुणानंता ननुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि, 11-4-2। नांतम गुणानाम गुणस्य जगमु, अंत नहीं है। गुणात्मनस्ते विगुणान विमातुम, जो मूर्ख गुण को गिनना चाहे तो पहले वो पृथ्वी के राजकण को गिनकर बतावे। अनंत गुण तो निर्गुण भी, सगुण भी, निराकार भी, साकार भी, एक भी, अनेक भी, अनेक प्रकार के ये भेदा भेद वैषम्य है। और एक ही वेद में भी ये वैषम्य है। अब देखिए छांदोग्योपनिषद तत्वमसि 6-8-7, तू ब्रह्म है, तत्वम आसि, तत् माने ब्रह्म, त्वम माने तू, आसि माने हो, एक और कुछ नहीं है। और तज्जलानि शांत उपासित, सब जीव माया और जगत उससे पैदा हुए हैं, उससे रक्षित हैं, उसमें लय होंगे, ऐसा जानकर उपासना करो जीवो। ये देखो भेद, एक ही छांदोग्योपनिषद 3-14-1। अब देखो बृहदारण्यकोपनिषद, अहम् ब्रह्मास्मि 1-4-10, मैं ब्रह्म हूं। 1, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलुंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मना सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। 2-1-20, और आपको हमने एक ही मंत्र में भी बताया था, दोनों चीजें आठ एक पांच आठ सात एक। एष आत्मा अपहत पापमा, तो ये तमाम भेदा भेद संबंध के प्रमाण भरे पड़े हैं। मनुष्य की थोड़ी सी आयु है, बेचारा कितना पढ़े कितना समझे। शंकराचार्य आए, ने कहा जी ये तमाम सारी बात आप जो लोगों को बरगला रहे हैं हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं बस एक ब्रह्म है और बाकी ये सब भ्रम है। भ्रम है, भ्रम इसको कहते हैं विवर्तवाद, मायावाद, केवलाद्वैतवाद, अर्थात हम भी ब्रह्म है, ये संसार भी ब्रह्म है, माया वाया कुछ नहीं, ये संसार भी ब्रह्म है, हमको तो दिखाई पड़ता है ये सब कुछ, आप कहते हैं ब्रह्म है, तुमको अज्ञान है, अज्ञान ब्रह्म हो गया है तुमको। कैसा ब्रह्म? रज्जौ यथा हेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए। एक एक शब्द पर ध्यान देना, थोड़ा बुद्धि का विषय आ रहा है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए अंधेरे में, हम लोगों को हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो पगडंडी में और हम जा रहे हो अंधेरे में, हे ये टेढ़ी मेढ़ी रस्सी हो नहीं, सांप हो सकता है,
नहीं रस्सी होगी, नहीं सांप हो सकता, लेकिन अपन को सांप ही मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमने रस्सी मान के पैर रख दिया और वो सांप हुआ कोबरा, तो फिर 10 सेकंड में हम 0/100 हो जाएंगे, तो हम घूम के चले जाते हैं। सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है, रजत में का भ्रम हो जाता है, सीप में। ऐसे ही तुमको इस ब्रह्म में संसार दिख रहा है। अब जरा मैं अद्वैत वादियों से बात करना चाहूंगा, शंकराचार्य से नहीं, अद्वैत वादियों से। क्यों जी, आपने वेद पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है। तो वेद में क्या लिखा है? यो तो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तैत्तिरीयोपनिषद 3:1 आनंदो ब्रह्मेति बजानात आनंदा देव कल विमानि भूतानि जायन्ते 3:6 तैत्तिरीयोपनिषद शोकामयत बहुश्याम प्रजायेति स तपो तप्यत तैत्तिरीयोपनिषद 2:6 तस्माद् वायु तस्माद् आत्मन आकाप सप्तम भूत तैत्तिरीयोपनिषद 2:1 यश्च विश्वम सृजति विश्वम विभर्ति विश्वम भुंक्ते स आत्मा सांडिल्योपनिषद 2:1 स ईक्षत ऐतरीयोपनिषद 1:1:1 स ईक्षांचक्रे प्रश्नोपनिषद 6:3 तदैक्षत छांदोग्योपनिषद 6:2:3 स ऐक्षत 1:2:5 बृहदारण्यकोपनिषद एषा माया नारसंगी सर्वमिदं सृजति नृसिंहतापनीयोपनिषद 3:1 ये सब वेद मंत्र तो कह रहे हैं भगवान से संसार बना है। हाँ तो क्यों जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी कारण और घड़ा उसका कार्य। हाँ ऐसे ही भगवान कारण और संसार उसका कार्य। हाँ पहले संसार नहीं था। हाँ एक दिन भगवान ने प्रकट किया प्रलय के बाद। हाँ तो भगवान ने संसार प्रकट किया जैसे मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बना दिया। हाँ तो घड़ा तो कार्य हो गया और बनाने का जो उसका मैटर है वो तो मिट्टी है। हाँ, तो फिर ये बताइए कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म कैसे हुआ? ये तो कार्य नहीं है। ब्रह्म तो नित्य सदा एक सा होता है ब्रह्म। और ये जो आप कह रहे हैं रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, तो रस्सी सांप का कारण नहीं है, रस्सी से सांप नहीं पैदा होता। एक एक शब्द पर ध्यान दो, रस्सी से सांप नहीं पैदा होता, सीप से चांदी नहीं पैदा होती, लेकिन ब्रह्म से संसार पैदा हुआ। तो फिर ये एग्जाम्पल कैसी हुई आपकी कि रज्जू में सांप का भ्रम हो गया है? नंबर 2, ब्रह्म स्वयं सिद्ध नित्य वस्तु है और जगत नश्वर है। हाँ, घड़ा नश्वर है, फिर मिट्टी बनेगा वो फूट करके। मिट्टी नित्य है, घड़ा अनित्य है, नश्वर है। इसी प्रकार ब्रह्म नित्य है, संसार नश्वर है, इसका प्रलय होगा। हाँ, लेकिन रस्सी भी नित्य है और सांप भी नित्य है, दोनों नित्य है। ऐसा तो नहीं है कि सांप संसार की तरह है, वो नष्ट है नहीं है और एक दिन खाली रस्सी बची, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग हैं, अपनी अपनी सत्ता रखते हैं रस्सी और सांप, लेकिन भगवान अपनी सत्ता रखता है, संसार की कोई सत्ता नहीं। महाप्रलय में संसार कहां रहता है? और जब भगवान चाहे इसको 0/100 कर दे।
सुप्तंचास्त महाप्रलयः। संकल्प किया संसार समाप्त, तो क्या रस्सी के संकल्प से सांप समाप्त हो जाएंगे? एकदम गलत। नंबर 3, ये बताइए कि रस्सी और में सांप का भ्रम तो उसको होगा जिसने दोनों को देखा होगा पहले। ध्यान दो, रस्सी भी देखा है, सांप भी देखा है, दोनों का एक्सपीरियंस है। और हमने रस्सी देखा अंधेरे में तो हमने डाउट किया कि ये सांप हो सकता है। जिसने सांप देखा ही नहीं उसको रस्सी में सांप का भ्रम तो होगा नहीं। हाँ, नहीं होगा। तो भगवान जब था तो संसार तो था नहीं, तो उस भगवान को भ्रम कैसे हो गया अपने ऊपर कि उसने इस संसार को अपना स्वरूप न मान करके और संसार के रूप में मान लिया। भगवान को भ्रम कैसे हो गया? छोड़िए और चलिए, ये बताइए कि ये भगवान अकेला था ना? हाँ, अकेला था। तो वो भगवान अकेला, उसको भ्रम कहां से आया? अज्ञान से। हाँ, तो अज्ञान तो आप मानते नहीं, आप तो अद्वैत मानते हैं, एक ब्रह्म ताबक। अब अगर अज्ञान भी था पहले से तो फिर दो मानिए कि एक अज्ञान है अनादि और एक ब्रह्म है अनादि। और अगर दो मान भी लें आप तो ब्रह्म तो नित्य ज्ञान है, स्वरूप है, आप कहते हैं प्रकाश स्वरूप है। हाँ, तो अज्ञान रूपी अंधकार प्रकाश पर अधिकार कैसे कर लिया? ब्रह्म ने अपने को संसार कैसे मान लिया, जीव कैसे मान लिया? ये अज्ञान ब्रह्म को कैसे हो गया? अगर अज्ञान अनाज भी है तो ब्रह्म को अज्ञान कैसे हो गया? अब दूसरे आए, अच्छा एक बात और बताओ, अद्वैती लोग आपके बहुत ध्यान से सुनना कि अनाद काल से अब तक अनंत जीवों को यानी ब्रह्मों को ये भ्रम हुआ, तो क्यों जी? भ्रम तो अपने अपने मन के अनुसार होता है ना। तो ये सारे ब्रह्म को ये जो भ्रम हुआ कि ये पेड़ है, तो सबको एक ही सा भ्रम हुआ ये पेड़ है। अरे किसी को होता भ्रम कि ये बैल है, किसी को भ्रम होता कि ये गधा है, किसी को भ्रम होता ये चंद्रमा है, सबको एक ही भ्रम कैसे हो गया कि सब उसको पेड़ देख रहे हैं? अरे सबका मन अलग अलग है और सबको भ्रम हुआ तो सबको अलग अलग दिखाई पड़ना चाहिए। अब अनादिकाल से अब तक जो पेड़ की परिभाषा लिखी गई है सब वैसे ही देख रहे हैं, किसी के मन ने और वस्तु नहीं देखा उसको, ऐसा कैसे हो गया? जमी नहीं बात। तो दूसरे आए, अब बदल गया सिद्धांत उन्हीं के संप्रदाय में, उनने कहा देखो जी हाँ ये तो ठीक है कि ब्रह्म एक चिन्ह मात्र है, चेतनात्मा ने चेतन प्रकाश मात्र, उसमें कोई गुण हुण कोई क्रिया कोई कुछ नहीं है, निरवय है, कोई उसका अंग भंग कुछ नहीं। तो वो एक दूसरा आया इसी संप्रदाय का, उसने कहा परिच्छेदवाद सही है, विवर्तवाद गलत हो गया। ये क्या होता है? ब्रह्म का ब्रह्म विद्या से युक्त हो गया तो ईश्वर हो गया, और अविद्या से युक्त हो गया तो जीव हो गया। तो क्यों जी एक बात बताओ कि अपरिच्छिन्न निरवय चिन्ह मात्र प्रकाश मात्र ब्रह्म का टुकड़ा कैसे हुआ? और वो भी दो टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा ईश्वर हो गया और उसी ने सृष्टि किया है, ब्रह्म कुछ नहीं करता। अच्छा, तो पहली बात तो की है उसके दो टुकड़े, ये विद्या कहां से आ गई और अविद्या कहां से आ गई? खाली ब्रह्म ही तो था एक।
और अगर मान लो तुम विद्या विद्या कहीं छुपे हुए थे और प्रकट हो गए और उनसे एक ईश्वर बन गया, उसने सृष्टि किया, हाँ, तो ये बताओ कि ईश्वर के सब संकल्प गुण वगैरह हैं? हाँ हैं। तो क्यों जी, जब ब्रह्म में नहीं है वो चीज तो ईश्वर में कैसे आ गई? जब ब्रह्म आकर्ता है तो ईश्वर सृष्टिकर्ता कैसे हो गया? जो गुण पिता में होता है वही तो पुत्र में आएगा। तुम्हारी बात जम नहीं रही। तीसरे आया, उन्होंने कहा जी प्रतिबिंब बात सही है। ये क्या होता है? बिंब का प्रतिबिंब। क्या मतलब? मतलब ब्रह्म का ये परछाई, ये जीव है और ये जगत है। तो क्यों जी, परछाई जो होती है ये तो साकार वस्तु की होती है। देखो, सूर्य की परछाई, चंद्रमा की परछाई पानी में पड़ती है। हाँ, ये चंद्रमा, ये सूर्य है, ये तारा दिख रहा है पानी में, तो पानी भी साकार है और वो भी साकार है, दोनों के आकार है, तो प्रतिबिंब पड़ रहा है। क्या आकाश का भी प्रतिबिंब होता है? ये खाली जगह है, इसको आकाश कहते हैं, नथिंग, ये इसका प्रतिबिंब, और वो जिसमें पड़ रहा है वो भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं का प्रतिबिंब कुछ नहीं में पड़ा तो कुछ नहीं निकलेगा रिजल्ट। अरे निराकार ब्रह्म है, उसका प्रतिबिंब संसार साकार कैसे बन गया? एक बात बताओ, तुम्हारे जितने अद्वैती हुए हैं आज तक, इसी संसार से रोटी दाल खाते थे? कोई सन्यासी बिना खाए रहा है क्या आज तक? शरीर को तो भूख प्यास ब्रह्मज्ञानी को भी लगती है, खाना पड़ता है भिक्षा मांग के। खाना बनाता नहीं, ठीक है, ये पृथ्वी पर चलता है, ये शरीर धारण किए है, ये भी जीरो है। जिस आंख से देखता है, किताब लिखता है, ब्रह्म सूत्र वगैरह, भाष्य वगैरह, वो कलम दबात सब मिथ्या है, सब भ्रम है। ऐसा कैसा भ्रम है भाई? ये तो साक्षात है, सबका अनुभव है। तो बिंब प्रतिबिंब बाद चौथे आए, उन्होंने कहा देखो ऐसा है जी, ये आत्मा जो है, ये परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं, इसने अंतःकरण को कर्ता बना दिया, मन को। तो ब्रह्म कुछ नहीं करता, ये मन करता है। तो क्यों जी, ये मन निराकार है ना, हाँ, और ब्रह्म भी निराकार है, हाँ, तो निराकार ने निराकार को कर्ता कैसे बना दिया? जब कारण में वो शक्ति नहीं है कर्तृत्व की, तो कार्य में कैसे आएगी? और फिर विरोधी चीज कि ब्रह्म तो चेतन है और अहंकार जड़ है, ये तो माया से बना है, तो चैतन्य और जड़ का संबंध कैसे होगा? तुम्हारी बात भी कुछ जमती नहीं। कुछ लोग बोले कि देखो जी ऐसा है कि जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो ब्रह्म बन जाता है। अच्छा, तो क्यों जी, जब भगवत प्राप्ति के बाद ब्रह्म बन जाता है तब वो उसका ये अज्ञान समाप्त हो जाता है? अजी प्रश्न तो यही है, अज्ञान आया कैसे? सब लोग जरा बुद्धि लगाओ, अज्ञान क्या अनादि है और अनंत है? यानी अज्ञान सदा से है, सदा रहेगा, तो सदा से है ये तो आप मानते नहीं, आप तो खाली एक ब्रह्म मानते हैं, और सदा रहेगा ये भी आप नहीं मानते, आप कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान चला जाएगा, इसलिए ये लाइन भी बेकार। तो क्या एक दिन अज्ञान आया और सदा रहेगा? आप ये भी नहीं मानते,
क्योंकि सदा रहेगा। कैसे भाई, वो तो वेद कह रहा है अज्ञान चला जाएगा। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या एक दिन अज्ञान आया और एक दिन चला जाएगा, ऐसा है? अब चुप हो गया हो अद्वैती, आया कैसे कहें, क्योंकि ब्रह्म को अज्ञान आया कैसे, हुआ कैसे? वो तो नित्य ज्ञान रूप है, उसकी तो परिभाषा ही है सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। वो ज्ञाता मानते ही नहीं ब्रह्म को, ज्ञान मानते हैं ज्ञान। देखो अंधेर, कोई आदमी कहे देखो पेड़ नहीं है, काटने वाला भी नहीं है, और काटना हो रहा है, ऐसा कहते? पेड़ नहीं है, काटने वाला भी नहीं है, अब काटना हो रहा है, यानी आत्मा या परमात्मा ज्ञाता नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान है। और वो ज्ञान कैसा है जिस पर अज्ञान कभी ना आवे? तो साध ही होता अगर एक दिन आया अज्ञान, तो फिर हम ज्ञानी बन जाएंगे तो फिर आ जाएगा, फिर तो गधे का स्नान हो गया। कोई हर लाखों जन्म मेहनत करके ज्ञानी बने और फिर एक दिन अज्ञान आ जाए, हमला कर दे हमारे ऊपर, ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर ऐसा होगा कि अज्ञान अनादि है लेकिन शांत है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप तो अज्ञान को अनादि मानते नहीं, क्योंकि आप तो एक ब्रह्म मानते हैं खाली। तो ये तो हम लोग मानते हैं कि अज्ञान युक्त जीव अनादि है और एक दिन अंत हो जाएगा। आप तो ऐसा नहीं मानते कि कोई अज्ञान नाम की चीज पहले थी, ब्रह्म सदा ज्ञान स्वरूप है, कोई हिसाब नहीं है। तो शंकराचार्य ने ये अपने उस समय के हिसाब से ऐसा सब लिख दिया है, लेकिन स्वयं ने भक्ति की है श्री कृष्ण की। ये सब बातें आपको आगे बताई जाएंगी डिटेल में, तो आप इतना समझ लीजिए केवल कि ये अद्वैतवाद एक धोखा है। एक संत ने कहा मायावाद मदांधकार मुशा है पागल, बड़े जोर से गुस्से में, तू अहम ब्रह्मास्मि इति मुहुर मुहुर बदसिरे जीवत तुमुन्मत तबत, तुझे उन्माद रोग हो गया है जो तू कहता है मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं। अरे ऐश्वर्यम तव कुत्र, अरे वेद तो कहता है एष सर्वेश्वर सर्वाधिपति ही, बृहदारण्यकोपनिषद 4:4:22 सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वाधिपति ही, सुबालोपनिषद 5:1 सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वाधिपति ही, महोपनिषद सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ है। मुंडकोपनिषद 1:1:9 सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, तो कौन सा जीव है सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वाधिपति। मैंने आपको बताया था दहराकाश में उभे द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते यच्चेहास्ति यच्चनास्ति तदस्मिन् सर्वं समाहितम्, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब उस भगवान में स्थित है दहराकाश में, तो जीव में स्थित है। बिचारे की जीव की कहां गिनती है, अजी ब्रह्म बन जाएगा जब तब भगवान गुण दे देगा आठ तक। अब बोलो ये आठ गुण जो भगवान में है, इसको भी तो वेदांत ने खंडन कर दिया, उत्तरा छेद आविर्भूत स्वरूपत्तु, ये तो बाद में आए ना आठ गुण। हाँ, और उसमें भी एक शर्त है, जगत व्यापार वर्जम,
भोग मात्र साम लिंगाच चार चार सत्रह चार चार इक्कीस वेदांत। सृष्टि आदि करने का काम भगवान स्वयं करते हैं, किसी महापुरुष को नहीं देते। ब्रह्म, अगर ब्रह्म हो जाता जीव तो फिर यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते में करोड़ों ब्रह्म हो जाते। एक मजाक बताएं आपको, एक अद्वैती ऐसे भी है, वो कहते हैं एक ब्रह्म है। अच्छा, वही ब्रह्म ये सब के अंदर है, सब है, यानी जितने जीव देखते हैं आप लोग ये सब ब्रह्म है। अच्छा, ये अलग अलग ब्रह्म नहीं हुआ करते, एक ब्रह्म है, वही सब में है। अच्छा, तो क्यों जी, अगर ऐसा है तो वो ब्रह्म अगर ज्ञान प्राप्त कर ले हाँ, तो सबका अज्ञान चला जाए, क्योंकि एक ही तो ब्रह्म मानते हैं आप। हाँ, तो क्यों जी, आज तक कोई ब्रह्म ज्ञानी हुआ नहीं? हाँ, नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ तो फिर वेद क्यों बनाया? वेद को प्रकट किया, आप वेद को तो मानते हैं? हाँ, वेद को मानते हैं, तो क्या जवाब है? तो फिर सब अलग अलग ब्रह्म होंगे, तो अलग अलग ब्रह्म होंगे तो कितने सारे ब्रह्म हैं? आप तो एक मानते हैं। बोलती बंद। तो भगवत प्राप्ति के बाद भी आनंदी भवत वेद कह रहा है। तैत्तिरीयोपनिषद 2:7, सुखी भवति वेद कह रहा है कठरुद्रोपनिषद 27। तो ऐसा नहीं है ब्रह्म हो जाएगा कोई जीव, ब्रह्म में जो गुण है और सब मिलेंगे उसको। हाँ, ज्ञान मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, नित्य जीवन, दिव्य देह, सदा को माया निवृत्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक लोष सदा को चले जाएंगे, ये सब हो जाएगा। तो इस प्रकार अब आप समझ गए कि जीव भगवान की शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, और भेदाभेद संबंध दोनों है और सदा रहेगा। हम सदा से मायाबद्ध थे, लेकिन एक दिन माया से रहित हो सकते हैं अगर ये मैं मेरे को जान ले, समझ ले, पा ले वो मेरा कौन है। और दो ही है बचे हुए मैं के अलावा, एक वो एक ये, वो माने भगवान, ये माने माया। अब इसको पकड़ना है कि कौन मेरा है कौन पराया है, फिर बताएंगे। लाडली लाल की, बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाए, मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है। कोई पूछ सकता है क्यों? कोई भी कार्य किसी कारण से हुआ करता है। कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते, वेद कह रहा है, योग सुखोपनिषद 1:37। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी 8वें अध्याय का पहला मंत्र है, कारणेन बिना कार्यम नोदेति, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आप यहां क्यों आए हैं? कारण है। यहां से कहीं जाएंगे क्यों? कारण है। अरे आंख बंद किया क्यों? कारण है। सांस लिया क्यों? कारण है। सर्वत्र कारण से कार्य होता है। हाँ, ठीक प्रश्न है। हमको क्या आवश्यकता पड़ गई मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों के हल करने की? हाँ, इसका दो उत्तर है।
हमारे यहाँ के जितने भी सिद्धांत हैं संपूर्ण विश्व में, वे दो वाक्यों में बोले जा सकते हैं। क्या? वास्तविक दुख निवृत्ति के लिए अथवा वास्तविक सुख प्राप्ति के लिए। हम सब दुखी हैं, इसके विपरीत सुख चाहते हैं। हम सब अशांत हैं, इसके विपरीत शांति चाहते हैं। हम सब मरणशील हैं, इसके अतिरिक्त अमरत्व चाहते हैं। हम सब अल्पज्ञ हैं, इसके अतिरिक्त पूर्ण ज्ञानी बनना चाहते हैं। अर्थात हम सर्वथा अपूर्ण हैं, पूर्ण बनना चाहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। इसलिए इन दोनों प्रश्नों को हल करना आवश्यक है। तदर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आदि से भी समझाया गया मैं कौन। लेकिन ये मैं नाम का तत्व ऐसा तत्व है जो प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से बोधगम्य नहीं कराया जा सकता। अतएव शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया। शब्द प्रमाण में श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, तीन प्रस्थान होते हैं। अर्थात एक विनिर्गत वाणी, वेद, और एक स्मृत, शास्त्र, गीता आदि। इन सब प्रमाणों के द्वारा मैं तत्व पर विचार किया गया। संक्षेप में आपको बताया गया, एक कोई ब्रह्म है और एक कोई माया भी है, मेरे अतिरिक्त दो हैं, इन्हीं दोनों में कोई मेरा है। या तो ब्रह्म मेरा होगा या तो माया मेरी होगी। तो वेदों के द्वारा बहुत विस्तार से आपको बताया गया कि ये मैं नाम का तत्व उस ब्रह्म की शक्ति है और वो माया नाम की शक्ति भी शक्ति है ब्रह्म की, और इसीलिए हमको यानी जीव को भगवान का अंश भी कहते हैं। वेदांत के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा स्वरूप सर्वव्यापकता का नहीं है, ये सिद्धांत गलत, और शरीर परिमाण भी हम नहीं है, हम अणु हैं, अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता, इतने सूक्ष्म हैं हम, और हृदय में रहते हैं हम, और वो ब्रह्म भी हृदय में है, माया भी हृदय में है, और इस संसार में भी यही तीन है, हम लोग हैं, माया का ये पृथ्वी, जल, तेज आदि है, और भगवान सर्वव्यापक भी है, हमारे भीतर भी हृदय में बैठे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि भगवान ही संसार बन जाते हैं। अर्थात महाप्रलय में जीव माया सब भगवान में लीन हो जाते हैं, पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महान में, महान प्रकृति में, प्रकृति ब्रह्म में।
अर्थात पृथ्वी का आधार जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का अहंकार, अहंकार का महान, महान का प्रकृति, प्रकृति का आधार ब्रह्म, और ब्रह्म का आधार कुछ नहीं, वो बिचारा निराधार है। देखो हमारे बाप होता है ना, माँ बाप है हमारे, हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप, आखिरी बाप भगवान, भगवान का बाप बिचारे का उसके बाप नहीं, माँ भी नहीं बिचारी, न माता न पिता यस्य, न भार्या न सुतादया, न आत्मीयो न परस्यापि, न देहो जन्म एवच, न चास्य कर्म वा लोके सदसन मिश्र योनिषु। बस 46, 38, 39 ऐसा ब्रह्म है जिसके हम अंश हैं, वो हमारा अंशी है, तो हम अत्यंत अणु हैं, ये जीव अति अणु हृदय में रहकर समस्त शरीर में चेतना देता रहता है, स्वयं भी चैतन्य और जहां रहे उसको भी चैतन्य किए रहे, वो गया तो माया बच गई, माने शरीर बच गया, वो गया और एक शरीर लेके गया, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो सदा साथ रहता है, और एक वो भगवान जिसको आप कहते हैं ब्रह्म, वो भी साथ जाता है, यानी ये तीनों साथ साथ चलते हैं, एक सेकंड को इन तीनों में कोई किसी से पृथक नहीं होता, जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां हमारा अंशी भगवान भी जाएगा, ये वेदों के द्वारा मैंने आपको बताया था, भूलेंगे नहीं। प्राग्देनात्मनान्वारूढ़ा, हम कुत्ते बने, गधे बने, बिल्ली बने, मच्छर बने, नाली में गंदी नाली के कीड़े बने, वहां भी भगवान साथ रहेगा, साथ नहीं छोड़ेगा, और शरीर भी साथ रहेगा, और शरीर से जैसे हम इस समय प्यार कर रहे हैं, ध्यान दो, ऐसे ही सब करते हैं, आप हंसते हैं ना देख के, सूअर जा रहा, सूअर तेरी बदशकल है, लेकिन सूअर के शरीर को दबाव मारने के लिए चिल्लाएगा, ए क्या कर रहे हो, ये मेरा शरीर है, बड़ा प्यारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इस शरीर को, एक मक्खी को दबाओ, मच्छर को दबाओ, वो कहेगा क्या कर रहे हो, ये मेरा शरीर है। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनि मनुब्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। 3, 30, 4 भागवत, जिस जिस योनि में ये जीव जाता है, जो भी शरीर पाता है, वो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, यानी प्रत्येक शरीर में एक सा प्यार है उसका, नरकस्थो विदेहं वै न पुमांस त्यक्तु मर्हति। नरकस्थ देह भी जहां इतना दुख भोगवाया जाता है, उस शरीर को भी ये जीव छोड़ना नहीं चाहता, ये देह की आसक्ति है, यहीं से तो अज्ञान शुरू हुआ, इसीलिए तो नरकस्थ देह भी प्रिय है जीव को। 3, 30, 5 भागवत, इसीलिए भगवान ने उद्धव को उनके प्रश्न का उत्तर दिया था, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, उन्होंने कहा मूर्खो देहाद्यम बुद्धि,
जो अपने को देह मानता है उससे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा दुख इसी एक अज्ञान पर डिपेंड करता है। हमने अपना स्वरूप भुला दिया, हम उसके अंश हैं भगवान के, हम उसके शक्ति हैं उनकी, हम उनके दास हैं। ये जो प्रमुख ज्ञान था इसको भुला दिया और हम देह हैं, तो हमारा पिता ये है, हमारा ये है, संसार सब बदल गया। आप लोगों में जो गणित पढ़े हो वो जानते होंगे कि अगर पहला गणित गलत हो जाए, 3 × 21 की जगह 3 × 22 लिख दे हम, तो जितना आगे गणित करेंगे सब गलत हो जाएगा। ये मेन गलती है अपने को देह मान लेना। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपे तस्य विपर्ययो स्मृति 11:37। ये पहली गलती, ये गलती एक दिन हुई ऐसा नहीं, लेकिन सदा से ये गलती है, हमने अपने को देह मान रखा है। तो हम ब्रह्म की अंश हैं, उनकी शक्ति है, उनसे हमारा भेदा भेद संबंध है। इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत विस्तार से बताया है कि कुछ मामले में ब्रह्म से हमसे अभेद है, वो भी चेतन है हम भी चेतन है, वो भी सनातन है हम भी सनातन है, और अनेक बातों में बड़ा भेद है। कुछ भोले भाले लोग कहते हैं कि भगवान केवल ज्ञान स्वरूप है और ये जीव भी केवल ज्ञान स्वरूप है। हाँ, ज्ञान स्वरूप भी है ही नहीं। विज्ञान मानंदम ब्रह्म वेद कह रहा है बृहदारण्यकोपनिषद, महोपनिषद में भी 2:9 ये मंत्र है, वो विज्ञान स्वरूप है। सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म तैत्तरीयोपनिषद 2:1 वो ज्ञान स्वरूप है और हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन हम ज्ञाता भी हैं। विज्ञातार मरे केन विजानिया बृहदारण्यकोपनिषद 4:5-15 द्योत एव, वेदांत भी कह रहा है 2:3-19 अथ जो वेदेदम जिग्राण स आत्मा 8:12-5 छांदोग्योपनिषद अथ जो वेदेदम मन्वानि स आत्मा 6 8:12-4 एष हि द्रष्टा श्रोता ग्राता मन्ता रसयिता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते प्रश्नोपनिषद 4:9 खाली ज्ञान स्वरूप नहीं है तथा ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व निज धर्म का पद्म पुराण ज्ञान मात्रात्मको न च पद्म पुराण वेदांत कह रहे हैं कर्ता शास्त्रार्थ वक्ता 2:3-33 वो जिस ब्रह्म के हम अंश हैं और सब कुछ वही हमारा है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता ब्राता निवासा शरणम सुहृद गति
सुबालोपनिषद 6:4 गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभव प्रलय स्थानम सब कुछ है वो हमारा। 9:18 गीता येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम 3:25-38 कपिल ने कहा अपनी माँ से वो हमारा सर्वस्व है। और कैसा होता है जी ब्रह्म जिसके हम अंश है, जब इतना बड़ा दिखता है तो उसके बारे में कुछ तो समझना चाहिए, क्योंकि तो समझने से प्यार होगा, उससे मिलने की इच्छा होगी। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है बृहति बृंगयति इति तत्परम ब्रह्म बृहत्पात बृंगणत्वाच तद ब्रह्म। वेद पुराण दोनों एक बात कह रहे हैं, जो बड़ा हो, नंबर दो, जो दूसरे को बड़ा करे। बड़ा हो माने क्या होता है? बड़ा तो सभी की है, एक तौलिया ले लो, एक बड़ी तौलिया ले लो, तो लोग कहेंगे अरे बड़ा बड़ी तौलिया लाना भाई। बड़ी माने क्या? बड़ा तो अरे एक छोटी उंगली है, एक बड़ी उंगली है, देखो ये भी बड़ी कहलाती है। तो बड़ा है ब्रह्म का क्या मतलब? तो वेद ने कहा मैं बताऊं, सत्यं ज्ञानम् अनंतं ब्रह्म अनंतं, अनंत ब्रह्म माने अनंत बड़ा, अनंत माने अनलिमिटेड असीम, जिससे बड़ा कुछ ना हो। दूसरी भाषा में वेद कह रहा है न तत् समस्याभ्यधिक दृश्यते 6:8 श्वेताश्वतरोपनिषद, न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है। जब बराबर ही नहीं है तो बड़ा होने का प्रश्न तो, क्योंकि तीन ही तत्व है तो जीव तो अत्यंत अणु है बिचारा और उसी का अंश है, और माया तो बिचारी जड़ है, और जीव माया के सिवा तीसरी कोई चीज नहीं, कोई तत्व नहीं, तो बराबर कौन होगा? अब बड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं। स्वयं तो साम्यातिशय अत्यधीशा 3:2:21 भागवत, निरस्त साम्यातिशय नराधसा 2:4:14 भागवत, नत्वत् समस्ता नत्वत् समोस्त्यभ्यधिका कुदोन्य 11:43 गीता, अर्थात उनके बराबर ही कोई नहीं है, इतना बड़ा है। और एक बात बताऊं, अणोरणीयन श्वेताश्वतरोपनिषद 3:20 जो सबसे छोटा होता है ना, कौन? जीव, उससे भी छोटा है। दो विरोधी बात कैसे? यही बात है, वैश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते, दो विरोधी गुण भगवान में नेचुरल हैं। सबसे छोटा बन जाता है और सबसे बड़ा भी, क्यों? अरे आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है। सबसे छोटा न बनेगा तो सबसे छोटे में व्याप्त कैसे होगा? चींटी में हाथी कैसे समाएगी? हम जीव हैं, हमारे अंदर वो व्याप्त है। या आत्मनि तिष्ठति यत्याक्षरम शरीरम, तो हमारे अंदर वो नित्य रहता है, तो कैसे रहेगा जब सबसे छोटा न बनेगा तो? और सबसे बड़ा न बनेगा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है तो ये सारा विश्व समाएगा कैसे उसमें? इसलिए अणोरणीयान महतो महीयान।
और कैसा है ब्रह्म जी? और तो ब्रह्म में अनंत गुण है, अनंत कोटि कृपालु, अनंत कोटि कल्प तक, अनंत कोटि रसना से अगर बोला करें तो बोला करो, तुम्हारा दिमाग खराब है, अंत नहीं होगा। नान्तम गुणाना मगुणस्य जगमु 1:18-14 भागवत। गुणात्मनस्ते पिगुणान विमातुम, कोई नहीं बता सकता कितने गुण हैं, कितनी संख्या के हैं, कितने बड़े बड़े हैं। दस चौदह सात लोवा अनंतस्य गुणानंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। तो भोला बच्चा है जो कहता है मैं बताऊं, एक जगह लिखा है 64 गुण होते हैं श्री कृष्ण के। आओ बड़े महारसिक रूप गोस्वामी वगैरह उन्होंने लिखा है। ये तो तुम्हारे साधना के लिए लिख दिया है 64 गुण। उनकी हर चीज अनंत है, जैसे ब्रह्मांड ये भी अनंत। देखो ये चंद्रमा देखते हैं, हाँ, इससे 400 गुना बड़ा सूरज, और सूरज से हजारों गुना बड़े अनंत सूरज एक आकाश गंगा में, और अनंत आकाश गंगा एक ब्रह्मांड में, और अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के अंडर में। खोपड़ी फेल हो जाएगी, उधर जाना मत, बस एक शब्द बोल दिया करो, उनकी हर चीज अनंत है। अरे कभी कभी अवतार लेते हैं, हाँ वो भी अनंत है। जन्म कर्मा विधानानी संति मेंग सहस्रशा न शक्यन्ते नु संख्यातु मनंतत्वान्मयापि। बस 51-37 भागवत। असंख्य है मेरे जन्म, मेरे कर्म, मेरे गुण, मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि असंख्य को कौन लिमिट में बांधेगा। अगर मैं बताना भी चाहूं तो बताता रहूंगा। एक राजा ने कहा कि भाई ऐसी कहानी सुनाओ जिसका अंत ना हो। तो बड़े लोग परेशान, और अगर किसी वो कहानी खत्म हो गई तो फिर उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, और अगर ऐसी कहानी है उसका अंत नहीं होता तो उसको हम अपना गुरु मान लेंगे। तो बड़े बड़े पंडित परेशान हो गए कि हर चीज तो लिमिटेड है, भागवत सुनाए तो खत्म हो जाएगी एक दिन, गीता सुनाए तो खत्म हो जाएगी, वेद सुनाए तो समाप्त होगा एक दिन। एक 420 था, पंडित का भेष बना के पहुंचा, उन्होंने कहा मैं सुनाऊंगा। उन्होंने कहा जानते हो फांसी हो जाएगी। उन्होंने कहा राजा साहब सुनिए, सुनते रहिएगा, हूं ऐसे बोलते रहिएगा एक एक वाक्य के बाद। उन्होंने कहा बोलो। का एक बहुत बड़ा पेड़ था पीपल का, उसके ऊपर हर पत्ते पर पक्षी बैठे थे। इतने में बादल गरजा, तो एक पक्षी उड़ा, फिर दूसरा पक्षी उड़ा, फिर तीसरा पक्षी उड़ा। आगे बोलो ना, बोल तो रहा हूं राजा साहब, जब तक सारे पक्षी न उड़ जाए तब तक आगे कहानी कैसे पड़ेगी। तो भगवान क्या बताएंगे अपने गुणों का अंत, क्योंकि वो अंत है ही नहीं। दुपत एव तेन यजुरंत मनंत तया तुमपि। वेद स्तुति कर रहा है, भगवान से कह रहा है वेद। 10:87-41 महाराज, और तो कौन बताएगा आपका अंत पाएगा, आप भी नहीं बता सकते अपना अंत, क्योंकि आप अनंत।
तो उनकी सब चीज अनंत है, कोई चीज सीमित नहीं है। ऐसे भगवान है, उन भगवान में एक सबसे बड़ी शक्ति है जो सबके ऊपर है, उसको महारानी कह दो। सब रानियों के ऊपर एक महारानी होती है ना, हाँ। उसका नाम स्वरूप शक्ति। वो क्या करती है? वही सब कुछ करती है। कर्म कर्तु मन्नता कर्तुम समर्था है वो, जो चाहे करे जो चाहे ना करे। ये तो हम ही लोग कर सकते हैं, लेकिन जो चाहे उल्टा करे ये हम नहीं कर सकते। आंख से सुने कान से देखे, क्यों बिना आंख के भी देखे। अपानी पादो यवनो गृहीता पश्चात्य चक्षु शास्त्रुनो क्या कारण। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ऐसा है वो, तो उस स्वरूप शक्ति से वो निराकार भी बन जाता है, साकार भी बन जाता है, निर्गुण भी बन जाता है, सगुण भी बन जाता है, अनंत रूप धारण कर लेता है, नहीं दिखता और सर्वव्यापक भी है, शरीर भी है। ये मनुष्य का शरीर है, उसका 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए हैं, उसमें उसको पसंद आया मनुष्य का शरीर। नरा कृतिम परम ब्रह्म, और नराकृति में भी सर्वव्यापक है। ये कमाल देखो, निराकार सर्वव्यापक हो, ये तो बात समझ में आती है। जैसे दूध में घी, तिल में तेल, तैलम तिलेशु, तिल में तेल होता है ना, दिखाई नहीं पड़ता, उसके कणकण में होता है। काष्ठेशु बन्नी, लकड़ी में आग, उसके कणकण में है। क्षीरे यथा घृतम, दूध में घी। गंधा पुष्पेषु, फूल में सुगंधि, उसके कणकण में है। भूतेषु तथात्मा हम व्यवस्थिता, वासुदेवोपनिषद 1:1। ऐसे ही मैं जीव में व्याप्त हूं, अंदर ठीक है, हमारे संसार में ऐसे हम व्याप्त तमाम चीजें, लेकिन मूर्तिमान ये जैसा आदमी होता है लंबा चौड़ा, ऐसा भी है सर्वत्र व्यापक। एको पिसन जो बहुधा विभाति, गोपाल तापनी उपनिषद का 19वां मंत्र। अरे शंकराचार्य ने मान लिया, और सुनो, यद्यपि साकारोयम् तथैक देशी विभाति यदुनाथ। अरे मनुष्य, श्री कृष्ण यद्यपि आकार वाले हैं जैसे मनुष्य होता है, और एक जगह दिखाई पड़ते हैं और जगह नहीं है, जैसे मनुष्य एक आदमी सामने बैठा है, अब वो पीछे देखो नहीं दिखाई पड़ेगा, ऊपर नहीं है इधर नहीं है, ऐसे ही श्री कृष्ण नहीं नहीं सर्वगता सर्वात्मा तथाप्ययम् सच्चिदानंद, वो सर्वगत है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी, सर्वव्यापक है। 6:11 श्वेता चतुरोपनिषद, 18 गोपाल तापनीयोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है। ऐसा है वो ब्रह्म, उस ब्रह्म के 3 स्वरूप होते हैं प्रमुख। भदंति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते।
भागवत 1:2:11 भगवान के तीन स्वरूप, भगवान तीन नहीं। अरे दो स्वरूप तो आप लोगों के भी है, एक निराकार जीव और एक साकार ये शरीर है ना। एक मां के पेट वाले आप, दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं पेट फूला है, इसलिए आइडिया होता है अंदर कोई लड़का है कैसा है, कैसी नाक होगी उसकी, है ये न मम्मी जाने न पापा जाने न कोई आदमी जाने। अब बाहर आ गया, हाँ ये है आप ही ऐसे निराकार साकार। तो भगवान के तीन स्वरूप में प्रमुख तो दो ही है, द्वेभाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च, बृहदारण्यकोपनिषद 2:3:1। लेकिन भागवत ने तीन कह दिया उसके कार्य के अनुसार, एक का नाम ब्रह्म, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, ये तो वेद भी कह रहा है, और एक का नाम भगवान, सगुण सविशेष साकार भगवान श्री कृष्ण, ये दो तो वेद भी कह रहा है। कृष्णो हवै परमं दैवतम, गोपाल तापनीय उपनिषद का तीसरा मंत्र। लेकिन एक और भी बता दिया वेदव्यास ने, परमात्मा। तो परमात्मा और भगवान दोनों सगुण साकार हैं, अंतर इतना है कि परमात्मा में सब शक्तियां प्रकट नहीं होती, 99% प्रकट होती है, और भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां प्रकट, और ब्रह्म में 1% अपनी सत्ता की रक्षा, अपने आनंदत्व की, सच्चिदानंदत्व की रक्षा, बस वो कुछ न करता है, न उसका कोई रूप है, न उसके कोई गुण है, न कोई लीला है, न कोई कुछ नहीं, वो ब्रह्म है। और जिस प्रकार रूप भी है और हाथ पैर आंख देखना सुनना बोलना सब, वो परमात्मा है। योगियों का और ज्ञानियों का ब्रह्म है, और भक्तों का भगवान श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के ये तीनों रूप है, लेकिन अंतर क्रिया में है। हम ब्रह्म से कहें कृपा करके हमारा उद्धार कर दो, कोई जवाब नहीं, रो रो के मर जाओ, वो कुछ करते ही नहीं, कृपा कहां से करेगा। शंकराचार्य ने भी माना, उदासीन स्तब्ध सततम गुण संग रहितो भवान स्तातः कातः परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेह मत तद बसस्वस्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। अपने ब्रह्म से कह रहे हैं शंकराचार्य कि आप कुछ करते तो है ही नहीं, उदासीन है, आपके कान भी नहीं कि सुने, करने की बात तो बहुत दूर की, तो आपसे हम कुछ मांगे तो पागल आदमी है जैसे कोई पत्थर की मूर्ति से मांगे। लेकिन एक काम तो करो, नोट करो सब लोग यहीं पर, शंकराचार्य को अगर ऐसे शंकराचार्य न हो और कोई आदमी ऐसे बोले तो कहोगे ढीला है। एक तरफ बोलता है कि आप तो कुछ करते नहीं तो आपसे क्या कहें, और फिर कहता है इतना तो कर दो कि हमारे हृदय में बैठ जाओ। ये कैसे कर देंगे वो, जब वो सुनते ही नहीं कुछ करते ही नहीं तो तुम्हारे हृदय में कैसे आ जाएंगे। और फिर एक बात बताओ कि हजारों मंत्र और गीता भागवत हजार हजार जगह चिल्ला रहे हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु द्वातु परुणा सहुजा सखाया समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो,
ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति। फिर आप क्या कह रहे हैं, आ जा आ जा। अरे वो तो रहते ही है राक्षसों के भी, आप तो भगवान के बाप है, महापुरुष है। महापुरुषों की बातें बड़ी विचित्र होती हैं, वो बुद्धि में नहीं आती। भावार्थ है कि ब्रह्म कुछ नहीं करता, इसलिए ब्रह्म की उपासना करने वाले को आत्मज्ञान होने के बाद श्री कृष्ण की भक्ति करके कृपा मांगनी पड़ती है, तब माया जाती है और ब्रह्म ज्ञान होता है, दो काम, तब मोक्ष होता है। तो श्री कृष्ण के तीन रूप हैं और अनंत रूप भी है, वो मैंने बताई दी आपको। अरूपायोरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे, आठ तीन नौ भागवत। एकोपिसंडो बहुधा विभाति बहुमूर्ति एक मूर्तिकम दस चालीस सात भागवत। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, करोड़ों गोपियों के साथ एक एक श्री कृष्ण। द्वारिका के विवाह में क्या हुआ था, प्रत्येक स्त्री से विवाह एक समय में किया, एक समय में सबसे विवाह, उतने रूप बना लिए। अरे बनाना कहाँ है, उनका तो प्रभाव देह है सर्वव्यापक। और उन श्री कृष्ण का धाम भी है, हाँ, जैसे आप लोगों का घर होता है और लोग बताते हैं हम इंग्लैंड में रहते हैं, वहां भी अमेरिका में रहते हैं, हमारा उस शहर में उस मोहल्ले में उस नंबर का घर है, तो भगवान का भी घर है। वेद कह रहा है वो ऐसा लोक है भगवान का कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांति मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। गोलोक में वहां ये सूर्य चंद्रमा ये माइक मेटीरियल नहीं जा सकते, भगवान ही सूर्य बनते हैं, भगवान ही सब कुछ बनते हैं, सब भगवान, पृथ्वी भी भगवान। जैसे श्री कृष्ण को देखकर परमहंस पागल हो जाता है, ऐसे वहां की पृथ्वी को देखकर भी पागल हो जाता है। सब सच्चिदानंद, ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले मुंडकोपनिषद् तीन दो छह। दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योम्यात्मा प्रतिष्ठितः मुंडकोपनिषद् दो दो सात। अनंते स्वर्गे लोके देये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति तेनोपनिषद् चार नौ। अस्माल्लोकाद् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा मृतः समभवत् समभवत् आयतरी उपनिषद तीन एक चार। ये मंत्र आत्मबोधोपनिषद में भी है एक सात। ये मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है चार तीस। सदा पश्यन्त सूर्य तद् विष्णो परमं पदम गोपालतापनीयोपनिषद सत्ताईस। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है चौदह। ये त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है चार एक। ये सुबालोपनिषद में भी मंत्र है छह सात। इंद्रसिंह तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है आठ तीन। और आपके भागवत में भी बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया तीन पंद्रह चौदह। मैं यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता तो नौ दस।
नयत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। दो दो 17 भागवत यद्भ्राजमानं स्वरूपैव सर्वतः 4, 12, 36 भागवत। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं भगवान के धाम होता है, और गीता तो आप सुनते ही न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन वहां सूर्य चंद्र ये सब नहीं जाते मेरे लोक में, और वहां जाके फिर लौटना नहीं पड़ता। वो सबसे ऊपर है गोलोक, उसके नीचे है परव्योम लोक, और भगवान के जो अवतार हैं उनके लोक हैं, और उसके नीचे है ब्रह्मद्रव ज्ञानियों का, परमहंसों का, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंदियों का, उसके नीचे है अनंत कोटि ब्रह्मांड माया का अधिकार, जो माया के एरिया में सबसे ऊपर है सत्य लोक या ब्रह्म लोक, जहां तक जाके लौटना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन 8:16 गीता। कर्मणाम परिणामित्वादाद मंगलम, ब्रह्मलोक तक जाके लौटना पड़ता है। ये माई एरिया है, तो भगवान के लोक भी है, और भी तमाम विचित्र विचित्र बातें भगवान के हैं, वो सब फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। इतने धीरे से बोलते हैं आप लोग, आप लोगों से तेज तो मैं 88 वर्ष का ब्राह्मण बोल रहा हूं। बोलिए लाडली लाल की। हाँ, अब मुझे खुशी हुई, अब देखिए मैं कितना बढ़िया बोलता हूं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व में दो प्रकार के लोग हैं, एक श्रेयवादी एक प्रेयवादी। साधारण बुद्धि से यूं कहिए, एक ज्ञानी एक अज्ञानी, एक समझदार एक ना समझ। वेद कहता है अन्य श्रेयो न दूतैव प्रेय, दो प्रकार के बाद हैं विश्व में सदा से, तीसरा बाद बन ही नहीं सकता। तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति, हीयते थाद्याउ प्रेयो विनीते, कठोपनिषद 1:2:1। अर्थात अनादिकाल से दो मार्ग हैं, एक का नाम श्रेय एक का नाम प्रेय, ज्ञानियों का श्रेय अज्ञानियों का प्रेय। अरे दो ही तो होंगे, या तो कोई समझदार होगा या तो मूर्ख होगा, बस क्यों? इसलिए कि इस मैं के अतिरिक्त दो ही तत्व बचे हैं, एक ब्रह्म अर्थात भगवान, एक माया। तो जो भगवतवादी है वो ज्ञानी समझदार श्रेयवादी, और जो मायावादी है वो प्रेयवादी अज्ञानी ना समझ। बड़ी सीधी सी बात है, और गधे की अकल से समझो। हम लोग दो है ना,
एक हम जिसको मैंने बड़े विस्तार से बताया है जीव, और एक मैं का ये शरीर। तो मैं ये ब्रह्म का है, भगवान का है, और मेरा ये शरीर माया का है, पंचमहाभूत का है। तो जो श्रेय को अपनाता है वो ज्ञानी बन जाता है और आनंद पा जाता है, जो उसका नेचुरल नेचर है। और जो मायावादी है, प्रेयवादी, शरीर क्या सुख चाहने वाला, अपने को शरीर मानने वाला, ये ही अतेर था, ये अपने लक्ष्य को नहीं पाता, सदा दुखी है। कितने प्रकार के दुख हैं हम लोगों को, तीन प्रकार के शरीर होते हैं। एक शरीर को तो सब लोग जानते हैं, ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पंचमहाभूत का, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अलावा एक होता है सूक्ष्म शरीर, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण, 15, एक मन, एक बुद्धि, एक अहंकार, 3, यानी 18 तत्वों का होता है सूक्ष्म शरीर। और एक होता है कारण शरीर, वो वासनात्मक होता है, वासना इच्छाएं संसार संबंधी मन में। ये तीन शरीर का बंधन है, ये तीनों शरीर से छुटकारा पाने के बाद ही हमको मुक्ति मिलेगी, जिसको हम कहते हैं मोक्ष। इसी को पांच प्रकार का क्लेश कहा गया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या माने जानते ही आप लोग, अज्ञान। अस्मिता माने अहंकार, और राग माने अनुकूल भाव से अटैचमेंट, जैसे हम माँ बाप बेटा बीबी पति से प्यार करते हैं। और द्वेष माने प्रतिकूल भाव से प्यार, अपने दुश्मन का चिंतन करके उसको मन में रख लेते हैं, जहां जाते हैं उसके खिलाफ कुछ करना है, वो बदमाश, ओ उसका भी चिंतन मनन। और अभिनिवेश होता है पांचवा, उसका मतलब मृत्यु का भय सबको, हम मर न जाए। बुखार हुआ 105, हाँ अरे हर समय डर, जी हमारे साथ 1000 मिलिट्री वाले रहते हैं, हम PM हैं, हमको डर नहीं है। अरे हमको तो और ज्यादा डर है, यही हमारे रक्षक कहीं ना कहीं गोली मार दे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को ही रक्षकों ने गोली मारी थी। हर समय भय, और तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आध भौतिक, आध दैविक। इसमें आध्यात्मिक ताप सबसे भयानक है। वो क्या होता है? एक तो शरीर की बीमारियों का दुख, सब बीमार है, कोई न कोई बीमारी सबको है। अगर कोई एक है हमको नहीं है तो कल हो जाएगी, कल हुई थी। अरे जब से पैदा होता है
शुरू हो जाती है। आज दांत निकल रहे हैं, लेट्रीन हो रहा है बच्चे को, आज ठंड लग गई बच्चे को, आज निमोनिया हो गया, बड़े बड़े और बुढ़ापे में तो बीमारी होना है तो एक नेचर है, सभी को हो जाती है। 70 साल 80 साल में खाट संभाल लेते हैं लोग, सब अंग जवाब दे देते हैं कि भाई हमने बहुत दिन साथ दिया तुम्हारा, अब हमको छुट्टी दो। हम नहीं देंगे छुट्टी, वाह हमको हमारा शरीर बहुत प्यारा है। अरे तो अब बूढ़े हो गए हो, तुम्हें कोई पूछता नहीं, इसी शरीर को लोग देखने को तरसते थे। एक दिन विश्व सुंदरी है, खोपड़ा सुंदरी है, और अब बुढ़िया हो गई। ए बुढ़िया कहाँ जा रही है? अरे बेटा जरा ये सामान उठा दो, है सामान उठा दो, उठवा ले किसी से। अरे मैं वही हूं जो तेरा बाप मेरे पीछे पीछे चलता था देखने को। अरे वो गया जमाना। हाँ एक शेर अर्ज है, आप लोग हंसेंगे शेर सुन के, सुनाई देते हैं। वो दिन हवा हुए, वो दिन हवा हुए कि जब पसीना गुलाब था, वो दिन हवा हुए कि जब पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं। वही शरीर है, शरीर में कोई अंतर नहीं। तो ये शरीर का दुख, और उससे अनंत गुना बड़ा दुख मन का, कामनाएं बना बना करके उसकी पूर्ति हुई तो लोभ, पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध। दिन भर कामना बनाते हैं, मां से बाप से भाई से बीबी से पति से बेटा बेटी नाती पोते सब से, और जिसने कामना पूर्ति न की हो गुस्सा डांट गाली गलौज मार धार क्या क्या नहीं होता। आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हर समय टेंशन। और आजकल तो इतना टेंशन है कि जो मानसिक रोग के डॉक्टर हैं वो कहते हैं भीड़ रहती है हमारे यहां, जिसको देखो क्या है डिप्रेशन। ये कौन सी बीमारी होती है? ये मन की होती है। तो डॉक्टर साहब से पूछो जो डिप्रेशन की दवा कर रहे हैं, उनको भी डिप्रेशन है कि आज मरीज आए ही नहीं, आज कोई इनकम नहीं। भला कौन विश्व में बचा है जिसको डिप्रेशन ना हो? खरबपति भी मुकदमा लड़ रहा है, अपनी बीबी से लड़ रहा है, बाप से लड़ रहा है, बेटे से लड़ रहा है। ये मन की बीमारी बहुत भयानक है, सब दुखी है और दूसरे से भी दुख मिलता है। अनावश्यक दुष्ट लोग अच्छे लोगों को तंग करते हैं, और सर्दी गर्मी जाड़ा आज का भी कष्ट, ये तमाम प्रकार के कष्ट, और 5 कोष भी होते हैं उनको भी पार करना पड़ेगा तब आनंद मिलेगा। अन्नमय कोष स्थूल शरीर का, और सूक्ष्म शरीर में 3 कोष होते हैं, प्राणमय कोष, 5 प्राण 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 का बनता है प्राणमय कोष, और 5 ज्ञानेंद्रिय 1 मन, इसका मनोमय कोष,
और पांच ज्ञानेंद्रिय एक बुद्धि, इसका विज्ञानमय कोष, और जो कारण शरीर है भासनात्मक, उसका आनंदमय कोष। बड़ी बड़ी बातें हैं, लंबी चौड़ी, आप समझिए कि इतने सारे दुख मिलते हैं प्रेयवादी को, भौतिकवादी को, शरीरात्मवादी को, जो अपने को शरीर मानता है उसको। कहने के लिए करोड़ों बाद हैं, चल रहे हैं, चलेंगे, रोज नए नए बनेंगे, लेकिन वो सब इसी दो के अंदर हैं। ट्रेजर हाउस ऑफ लिविंग रिलीजन्स, एक बहुत बड़े विदेशी फिलॉसफर का बड़ा भारी ग्रंथ है, अर्नेस्ट ह्यूम ने लिखा है। उन्होंने 11 धर्म बताए हैं, द बाइबल ऑफ बाइबल्स में फ्रैंक एल रिले ने भी 11 धर्म बताए हैं, उसमें 8 तो हमारी इंडिया में है और 3 बाहर हैं, चीन में ताओ धर्म और कन्फ्यूशियन धर्म, जापान में शिंतो धर्म, और बाकी 8 इंडिया में, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म। ये 11 धर्म या 11 करोड़ धर्म हो, वो सब 2 धर्म के अंतर्गत हैं, शरीर धर्म, आत्म धर्म, इसी को अध्यात्म वादी और भौतिकवादी कहते हैं। तो भौतिकवाद तो आप लोग तमाम जानते ही हैं, अध्यात्मवाद में मैं तत्व के विषय में आप लोगों को बताया गया वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा, ये भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है, भगवान से इसका भेदाभेद संबंध है, और तटस्थ शक्ति है और अणु है, सर्वव्यापक नहीं है, कुछ थोड़ा सा बुद्धि का विषय। कुछ केवलाद्वैतवादी कहते हैं कि देखो जी, ऐसा है कि जीव जो है इसकी उत्पत्ति नहीं होती ना, हाँ नहीं होती, हम भी मानते हैं, वेदांत भी मानता है, न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्यः, वो 3:18 और अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण 1:2:18 कठोपनिषद भी कहता है, और गीता भी यही कहती है, और भागवत भी यही कहती है, न घटत उद्भव प्रकृत पुरुष यो रजयो हो। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि पुभावपि, 13:19 गीता, वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्पन्य परमात्मे तुलारिता जो लोकत्रे महावृत्य विभर्तव्य ईश्वर यस्मात् कर्मति तो हम इत्यादि, 15:16, 15:17, 15:18, 15:19, 15:20, ये सब तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं जीव नित्य है, अज है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो जो अज होता है वो अणु नहीं हो सकता, सर्वव्यापक होता है। अच्छा, जो सनातन तत्व है वो अणु नहीं हो सकता, ये उनका तर्क है। जैसे भगवान सर्वव्यापक है तो वो अणु नहीं, वो विभू है, हाँ। तो इसका मतलब जिसका प्रारंभ होता है वो अणु होता है,
जो सनातन होता है वो विभु होता है। हाँ, तो क्यों जी इतना बड़ा संसार, ये अणु है, ये तो एक दिन बना है ना, एक दिन संसार प्रकट हुआ है। वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हाँ ये तो बड़ा स्थूल है। अरे छोड़ो, ये तुम ब्रह्म हो ना, हाँ ये तुम्हारा शरीर है ना, हाँ ये कहां अणु है, ये तो स्थूल है, इतना लंबा चौड़ा, ये तुम्हारी बकवास है। अच्छा देखो, ऐसा है कि ब्रह्म जो होता है सर्वव्यापक, उसी का प्रवेश होता है किसी में और तादात्म्य होता है। तो जीव का भी प्रवेश होता है, तादात्म्य होता है इस शरीर से। शरीर मभिसंपद्यमानः सवायं पुरुषो जायमानः, शरीर मभिसंपद्यमानः, 4-3-8। इसलिए ये पॉइंट भी तुम्हारा गलत। जीव अणु है ये अनुभव भी तो कहता है, सबसे बड़ी बात मैं और तू और ये फीलिंग है। हाँ, कि ऐसी फीलिंग है सब मैं, नहीं नहीं ऐसी फीलिंग नहीं है, सब मैं के अतिरिक्त तो और सब कुछ भी अनुभव में आ रहा है। तो सर्वव्यापक कहां? अगर ये मैं जीव सर्वव्यापक होता तो मरने के बाद ये उत्क्रांति गत्या गति कैसे होती, जो वेद कह रहा है सहदास्मा शरीराद उत्क्रामति सहाई वैतई सर्वयुर उत्क्रामति, और वेदांत भी कह रहा है उत्क्रांति सुषुप्त उत्क्रांति और भेदे न 1-3-43। तो जीव अणु ही है और वो सदा अणु रहता है। दूसरा पॉइंट, मरने के बाद भी कभी विभू नहीं होता। और बताएं, ये अद्वैतवादियों के नेता जगत गुरु शंकराचार्य ने भी मान लिया कि सर्वव्यापक नहीं होता जीव। क्यों? मुक्ता अपि ही लीलया विग्रहं कृत्वा त्वां भजन्ते, मुक्त होने वाले माने ब्रह्म बन जाने वाले फिर जन्म लेकर के और श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो क्यों जी, अगर जीव सर्वव्यापक है तो फिर मरने के बाद ब्रह्म हो गया ना। हाँ, जैसे एक घड़ा है, इस घड़े के अंदर एक आकाश है, खाली जगह है, तो आप कहते हैं कि जब घड़ा फूट गया तो ये महाकाश हो गया, माने इस आकाश में मिल गया, एक हो गया, ये आकाश बन गया। ऐसे ही जब ज्ञान हो गया तो जीव ब्रह्म हो गया। तो ब्रह्म हो गया तो यही वो समावलीयंत, यही पर लीन हो गया, कहीं गया वया नहीं, क्योंकि एक ब्रह्म तो था, वही एक ब्रह्म हो गया। तो फिर ये मुक्ता अभी कैसे बोल रहे हैं इंद्र संहिता अपनी उपनिषद के भाष्य में, और वेद भी कहता है मुक्ता अभी हेनम उपासते। अब असल में तो मुक्त ही उपासना ही करेगा, बद्ध क्या उपासना करेगा? अरे बद्ध तो उसके पास गए नहीं अभी, वो भजन क्या करेगा? भजन माने सेवा, भज सेवायाम धातु है, भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात सेवा बुधई प्रोक्ता, वेद व्यास कह रहे हैं और पाणिनि व्याकरण भी यही कहता है भज सेवायाम। तो जब कोई सेव्य मिलेगा तभी तो हम सेवा करेंगे,
तो भगवत प्राप्ति के बाद ही जीव गोलोक में भगवान की सेवा करता है, उसके पहले तो पत्थर की सेवा कर ले मंदिर में, भगवान कहां मिलेंगे उसको। वो तो भक्ति के बाद जब भगवत प्राप्ति होगी तब सेवा प्रारंभ होगी। तो भगवान को प्राप्त कर लेने वाला विभू नहीं हो जाता, आनंदी भवति, वेद कहता है बार बार, तैत्तरीयोपनिषद 2:7 रसक ब्रह्म हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। कठरुद्रोपनिषद भी कहता है रसम प्राप्त सुखी भवति। वो ब्रह्म नहीं हो जाता। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपच्चिता, वेद कह रहा है 2:1 तैत्तरीयोपनिषद, ब्रह्म के साथ सह ब्रह्मणा वो आनंद का अनुभव करता है गोलोक में, ब्रह्म नहीं बन जाता। और ये भी बताया गया कि जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्यलिंगा च, ये वेदांत सूत्र के द्वारा वेद व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि सृष्टि का कार्य किसी महापुरुष को भगवान नहीं देते। हाँ, अपना ज्ञान दे देंगे, अपना आनंद दे देंगे, लेकिन सृष्टि स्वयं करते हैं, लोगों के हृदय में एक एक रूप से स्वयं बैठते हैं, अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब और फल स्वयं देते हैं, और वर्तमान का हिसाब किताब रखना स्वयं करते हैं, ये किसी महापुरुष को नहीं देते। ये अंतर भी है। तो अगर वो ब्रह्म हो जाता तो फिर तो सब बात खत्म हो जाती। तो ऐसा नहीं है। और बहुत से तो अद्वैती ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्म है उसके कोई शक्ति भक्ति नहीं है। इतने सारे मंत्र वेद के सगुण और शक्ति वाचक गुण वाचक, कहते हैं नहीं वो सब मंत्र हैं तो, लेकिन ऐसा है कि निर्गुण वाक्यानाम सगुणापेक्षतेन परत्वात् बदीयत्वम्। ये जो निर्गुण की ऋचाएं हैं ये सगुण के बाद आई हैं, इसलिए वो बलवान है। तो सगुण की जो ऋचाएं हैं वो औपाधिक है, ऐसे ही लिख दी गई हैं। वेद तो कहता है सर्वे वेदा यत् पद्मामनंति, 1:2:15 कठोपनिषद, वेदे मात्रा मात्रस्यापि अनर्थक्यं वक्तुं न शक्यं। एक मात्रा को भी वेद में निरर्थक नहीं लिखा है। वेद व्यास जो भगवान के अवतार हैं और वेद का व्यास किया है, वो कहते हैं वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति। 1:2:28, 1:2:29 भागवत। आप भगवान की ओर ले जाने के लिए ये सारी वेद ऋचाएं और सारे शास्त्र वेद सब वहां ले जाने के लिए बनाए गए हैं। वहां पहुंच जाओ फिर ये सब लौट आते हैं। गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तस्य कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमस्मान् निवर्तते। ये सब भगवान से मिला करके वापस लौट आते हैं, फिर उसके ऊपर इनका कानून लागू नहीं होता। ब्रह्मवित श्रुति मूर्धनी, ये वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलते हैं महापुरुष। अस्तु, तो मैं के विषय में बहुत सा डिटेल में आपको बताया गया
कि ये भगवान का दास है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म की शक्ति है। और ब्रह्म क्या है? पिछले प्रवचन में ये भी बताया गया कि ब्रह्म जो अनलिमिटेड लिमिट का बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, जो आनंद स्वरूप हो। वेदांत भी कहता है आनंद में अभ्यासात एक एक तेरा आनंदो ब्रह्म आदि। तो मैंने अनेक वेद मंत्रों से आपको बताया था कि भगवान का दूसरा नाम है आनंद, उसके हम अंश हैं। और मैंने भगवान के दो रूप तीन रूप दोनों बताए थे, प्रमुख है दो रूप, निराकार निर्गुण ब्रह्म, साकार सगुण ब्रह्म। और यह भी आप याद कर लें, यदा पश्यपश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। निराकार ब्रह्म का आधार साकार ब्रह्म है, श्री कृष्ण है। मुंडकोपनिषद 3:1-3, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्याभ्यस्य। गीता 14:27। और अनंत गुण होते हुए भी उनका सबसे बड़ा गुण अब आप सुन लीजिए, वो कौन सा है सबसे बड़ा गुण? भक्त का भक्त बन जाना। बहुत ध्यान से समझो, कहने के लिए तो वो स्वामी है और सब जीव दास हैं। वासभूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वरः। पद्म पुराण, वही एक स्वामी है, बाकी सब दास हैं। वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, जितने अवतार हैं और जो मायाबद्ध है, सब दास है। वो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम तू ये त्यंग्री रेणु भी। 11, 14, 16 भागवत, मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं रक्षा करने के लिए। नहीं नहीं, रक्षा तो भीतर बैठ कर करता हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अंदर बैठा हुआ जो भगवान है वो योग क्षेम बहन करता है, लेकिन ये पीछे पीछे चलने वाला भगवान जो है ये इसलिए चलता है कि अंग्री रेणु भी पूयेय, भक्त की चरण धूलि से मैं पवित्र हो जाऊं। इतना दास है, दास का दास। देखिए एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि ऐसा नहीं है जैसे पिक्चर में देखते हैं आप कि एक बहुत बड़ा अरबपति आदमी भिखारी की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जिस समय वो भिखारी की एक्टिंग कर रहा है उसको ये फीलिंग है मैं अरबपति हूं, उसको ये फीलिंग भीतर से नहीं है मैं भिखारी हूं। ऐसे कैसे भूल जाएगा अमिताभ बच्चन कि मैं भिखारी हूं, कई अरब का आदमी है। लेकिन भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं इसका दास हूं। न तथा मे प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। 11, 14, 15, मेरा बेटा भी मुझे उतना प्रिय नहीं, ब्रह्मा शंकर भी प्रिय नहीं, बलराम भाई, अरे श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं,
और ये सबसे प्रिय आत्मा होती है, सब उसके नीचे है, वो भी प्रिय नहीं उतनी जितना भक्त प्रिय होता है। जब दुर्वासा ने गड़बड़ की थी अम्बरीश के खिलाफ, तो अंत में जब वो रोए गाए और क्षमा किया, तो भगवान ने दुर्वासा से कहा, गुरु जी ठीक है आप हमारे गुरु जी हैं, लेकिन जरा सुन लीजिए हमारा सिद्धांत, हम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इवद्विज, मैं भक्त के अधीन हूं, अधीन माने दास, या स्वतंत्र, वेद कहता है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र केवल भगवान है, बाकी सब परतंत्र है उसके अंडर में है। भगवान कहते हैं वो वेद भक्त कर रहा है, मैं तो परतंत्र हूं भक्त के। 9463 ना हम आत्मा न आशा से, मैं अपने आप से भी कोई आशा नहीं करता भक्त के अतिरिक्त। 9464 ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तां त्यक्तु मुत्सह। 9465 साधुवो हृदयम, साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मना गपि। 9468 इसी गुण पर हम लोग हिम्मत करते हैं, हाँ हमारी भी बात बन जाएगी। वो अपने आप को भूल जाते हैं, एक बुढ़िया के पतले से डंडे से कांपते, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि धाम तावत् याते दशाश्रु कदिलान् जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामे विमोहयति धीरपि भीरपि यद् विभेद। अरे जिसके लिए वेद कहता है भया दस्याग्निस्तपति भया तपति सूर्य भया इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। 2-3-3 कठोपनिषद भीषास्मात् बातः पवते। 2-8 तैत्तरीयोपनिषद मद भयात् बाति बातोयम् सूर्यस्तपति मद्भयात् बरसति इंद्रो दहत्यग्निर् मृत्युश्चरति मद्भयात्। 3-25-42 भागवत वो पतले से डंडे से डरता है, कुंती कहती है मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। एक शक्ति है भगवान के पास जो उनको मोहित कर लेती है, उनकी भगवत्ता को भुला देती है, और तभी ब्रजरस प्रारंभ होता है जब भगवान अपनी भगवत्ता भूले और भक्त अपना दासत्व भूले। अगर थोड़ी देर को भी ऐश्वर्य आ गया, जैसे बहुत बढ़िया खीर में मक्खी पड़ जाए, ऐसे हो जाता है, रस बिरस हो जाता है। भगवान का इतना बड़ा रस, सब मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी धर्म पत्नियां भी, पतिव्रताओं में टॉप करने वाली ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती, जैव ने कहा मेरा पति 2 कौड़ी का, ये मेरे प्रियतम है। और ये लक्ष्मी तो आई और देखा और सब भक्त चले गए,
और वो देखती रही, एक बार और देख लू, एक बार और देख लू, एक बार और देख लू, और बहुत रुक गई, भगवान के गले पड़ गई। तो भगवान ने बाएं तरफ कहा, आ जाओ तुम भी, रुको भाई यहीं रहो, सदा के लिए रुक गई। वो श्री कृष्ण रूप देखी आपनार, कृष्ण रहो चमत्कार, हा मैं इतना सुंदर, आस्वादिते उठे मने काम, अपना अपने चाहे कोरिते आलिंगन, अपने को चिपटाने को परछाई देख करते, सर्वसम उपभोग तुम काम ये राधिकेव, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे, भागवत 3:2-12। चार गुण ऐसे हैं श्री कृष्ण में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी में नहीं, लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो, उसी में रूप माधुरी है। रमा समेत रमापति मोहे, रूप देखा और रमा रमापति दोनों दर्शन करने आए थे और मोहित हो गए। वो अनंत गुण के सिंधु है श्री कृष्ण, और उन्हीं के कुछ तो स्वांश है, उनमें भी सब भगवान के गुण है, सब भगवान ही है वे लोग, क्योंकि वे स्वांश है। अमृत का घड़ा भर पियो चाहे एक गिलास पियो, सब में वही गुण है अमृत का। जितने अवतार हैं सर्वे पूर्णा शास्त्रतात्य, जहां थोड़ी सी आवश्यकता है तो थोड़ी शक्ति प्रकट की है, लेकिन वो शक्ति प्रकट करने वाले श्री कृष्ण ही है, अलग अलग भगवान नहीं हुआ करते। ये जो भोले लोग कहते हैं ये भगवान बड़े हैं, भोले बड़े बोले, अरे बिना भक्ति के कोई भोला वोला नहीं है, भूखे में न रहना कि बेलपत्र चढ़ा दे और एक गगरी में छेद करके पानी भर दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चारों धाम की मार्चिंग करावे, 56 भोग खिला दे, ए नाटकों से काम नहीं चलेगा, भगवान एक ही है और एक ही कानून है, भक्त्या हमें कया ग्राह्या, एक कानून है। ये सब आगे विषय आएगा। तो ब्रह्म कैसा है ये बताना तो पागलपन है, ब्रह्म कैसा है ये ब्रह्म भी नहीं बता सकता, लेकिन हमारा अंशी है, हमारा सर्वस्व है, ये मैं का वही है, मैं का ये नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक तो शास्त्र वेद कहता है, नंबर 2 इसका अनुभव है। देखो अगर मान लो हमको 2 आदमियों में पता लगाना है कि रमेश कौन है, और हम देख के पता नहीं लगा सकते कि रमेश कौन है इन दोनों में, हमने एक से पूछा आपका नाम, दिनेश, अच्छा तो फिर रमेश यही होगा क्या बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं कोई, क्योंकि तीसरा तो कोई है ही नहीं। जब यहां हमको सुख नहीं मिला, अनंत जन्म बीत गए और वर्तमान का भी तो अनुभव हो रहा है डेली, जब से पैदा हुए कितने सुख मिले और कितनी बार भ्रम हुआ, हाँ मिल गया मिल गया, अरे नहीं मिला नहीं मिला, अरे अब की मिल गया नहीं, भूख लगी है खाना मिला प्यास लगी है पानी मम्मी का प्यार उड़ रहा है मम्मी ने चिपटाया फिर खत्म, फिर आया फिर खत्म, ये क्या बीमारी है, ये गड़बड़ है कुछ, ये आनंद नहीं है। आनंद तो अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, ये तो लिमिटेड है और काल भी लिमिटेड है और खत्म हो जाता है। तो
तो ये मैं और मेरा का ये थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो गया, लेकिन ये जो मेरा है आनंद रूपी ब्रह्म श्री कृष्ण, इससे हमारी जो दूरी है माया के कारण वो कैसे समाप्त हो और कैसे हम दोनों मिले अपने स्वामी से, ये एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है जो रह गया, इसे फिर हल करेंगे। बोलिए लाडली लाल की, बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत तत्व हैं। इन तीनों में हम लोगों का नाम जीव तत्व है। हम कौन है, हमारा कौन है, इन दोनों प्रश्नों के हल करने के लिए हमारे पास दो ही लक्ष्य हैं, क्योंकि हमारे अतिरिक्त तो दो ही तत्व बचे हैं, एक भगवान एक माया। तो या तो हमारा भगवान होगा या तो हमारा संसार होगा माया। पाश्चात्य दार्शनिकों ने अपनी बुद्धि के बल पर अनेक मत बनाए हैं लक्ष्य के विषय में। एक चार्वाक हुआ है, वो तो हमारे ही देश में हुआ है, उसका कहना है कि ये तमाम नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, हम देह हैं, हम माने ये मैं नाम का जो हम अनुभव करते हैं जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में सर्वत्र सर्वदा, वो शरीर है। अगर हम चारबागवादी से एक छोटा सा प्रश्न करें, क्योंकि तुम अपने को शरीर मानते हो हाँ, तो अपनी माँ का अपने बाप का अपमान करे कोई तो उसको अच्छा कहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे उन्होंने हमको पैदा किया पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, हम उनका अपमान करें? अच्छा एक बात बताओ, मरने के बाद हम अपने बाप को जलाते हैं? हाँ, क्यों जलाते हैं? आप देह मानते हैं ना, तो आपका बाप देह हुआ ना, तो वो तो लेटा हुआ है, उसे क्यों जला रहे हैं आप? आप तो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे अपने पिता की, और फिर जलाते ही नहीं है। जो सबसे प्यारा बेटा है वो बांस लेकर के और खोपड़ा भंजन करता है, उसको कहते हैं कपाल क्रिया। तो अगर तुम देह हो तो देह का ऐसा अपमान करना, पैसा खर्च करके, और अगर आप कहते हैं नहीं जी वो तो चला गया, हमारा जो बाप था ये तो उसकी बॉडी है, वो फिर आप देह मत मानिए मैं को। वेद कहता है प्राणो ही पिता प्राणो माता, छांदोग्योपनिषद 7:15, 1, 2, 3। अस्तु, चार्वाकवादी कहते हैं हम देह हैं और यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके दूसरे को सता करके भी अपना आनंद भोगो, मरने के बाद कुछ नहीं होना जाना, ये तो देह है हम, मर गए का मतलब मैं खत्म हो गया।
एक अंग्रेज फिलोसफर हुआ हाप्स, एक फ्रेंच हुआ हेलबेसियस, बड़े बड़े फिलोसफर कहलाते हैं ये पाश्चात्य। इन लोगों ने कहा भाई ये चारबाग का कहना ठीक नहीं है, केवल स्वार्थी बनने से तो बड़ी क्रांति हो जाएगी संसार में। स्वार्थी बन जाएंगे जब तो फिर तो कोई बाप कोई माँ बेटे का पालन पोषण ही नहीं करेंगे, कौन झगड़े में पड़ेगी, इसको फेंक दो पैदा होने के बाद। इसलिए स्वार्थ भी हो और उसके साथ साथ परमार्थ भी होना चाहिए। और आगे आए एक फिलोसफर बटलर, इन्होंने कहा ये स्वार्थ की फिलॉसफी गलत है, बस परार्थ का सिद्धांत होना चाहिए। परार्थ, देखो शेर भी अपने बच्चे का पालन करता है, हम मनुष्य हो के और तुम स्वार्थ की बात करते हो। लेकिन ये जो परार्थ है बटलर का, इसमें पीछे स्वार्थ छुपा रहता है। आप सब लोग बटलर का सिद्धांत मानते हैं, आप लोग किसी के लिए जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमने 10 रुपया खर्च किया इसके लिए तो 20 रुपये का मतलब निकालेंगे इससे। माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी कोई हो, इसके आगे और आए कुछ फिलोसफर, उन्होंने कहा भाई ये भी ठीक नहीं है। फिर बहुमत, आजकल भी चल रहा है ये मत, सारी दुनिया में बहुमत, प्रजातंत्र नाम है। बहुमत माने क्या होता है, बहुमत माने अधिक लोग जो बात कहें बस वो ठीक है, न शास्त्र न वेद न पुराण कुछ नहीं, अधिक लोग। क्यों जी, अगर अधिक लोग मूर्ख हो जैसा कि है फैक्ट में, तो उन मूर्खों का बहुमत लेकर के और लक्ष्य बना लो तो बेमौत मरे। क्या 1000 धोबी के गधे मिल करके एक मनुष्य की बराबरी करेंगे, तो क्या 1000 अपन गवार बिना अनुभव के मूर्ख एक बुद्धिमान पॉलिटिशियन का मुकाबला करेंगे। हमारे संसार में क्या हो रहा है, ये जो आजकल का जनतंत्र है बदलता रहता है रोज। जब संविधान बनता है किसी देश का तो तब से लेकर कितने परिवर्तन हुए उसको कहते हैं संशोधन। ये ठीक नहीं किया हमारे पहले वाले पॉलिटिशियंस ने, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद आए दूसरी गवर्नमेंट, ये ठीक नहीं किया ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये बहुमत का सिद्धांत भी गलत है, क्योंकि अधिक मूर्ख सदा है रहेंगे, ये तो कलयुग है। अरे हमारे विश्व में कितने अरब तो बेपढ़े लिखे अंगूठा छाप है, वो पॉलिटिक्स क्या जाने, वो तो कहते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को कि ये सब बेवकूफ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और मिनिस्टर लोग, इनको चाहिए 1-1 करोड़ के नोट छाप दे और देश अमीर हो जाए, ये बुद्धि है। तो इनका बहुमत तो सर्वनाश कर देगा, और हो रहा है वही, जो बहुमत हो गया वो कानून पास हो गया, चाहे नुकसान हो देश का चाहे भला हो। अभी अधिक लोग कह रहे हैं बस, तो इसके बाद आए
ये सिद्धांत बहुमत का शुरू किया बेंथावे मिल आदि फिलासफरों ने, और फैलते फैलते सारे विश्व में फैल गया। इसके बाद आए आदि भौतिकवादी, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये तो बहुमत का है सिद्धांत ठीक नहीं है, कॉन्सेंस। ये कॉन्सेंस क्या बला है जी? अंदर की चीज है ये, अंदर जैसा बोले मन वैसा करना चाहिए। तो क्यों जी, ये कॉन्सेंस जो है आपकी, ये सबकी अलग अलग है ना? हाँ, सबकी अलग अलग है, और एक ही आदमी की कॉन्सेंस बदलती रहती है। हाँ, ये भी ठीक है, तो फिर वो सिद्धांत क्या बनेगा? ऐसा बकवास है। मनुष्य में चार दोष होते हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा पाटो। तो चार दोष हैं, इसलिए उसका कुछ भी मत गलत है। ब्रह्मा ने एक वस्तु को दूसरा समझना, रस्सी को सांप समझना, पीतल को सोना समझना, आत्मा को देह मानना, ये भ्रम है। और प्रमाद, मन की असावधानी। मन चंचल है ना, एक मिनट में बदल गया, उसी माँ के प्रति, उसी बाप के प्रति, उसी बीबी बेटा बेटी के प्रति हमारे आइडियाज दिन भर में कितने बदलते रहते हैं। हमारा मन हमारे बस में नहीं है, तो उसका मत क्या बनेगा? वो तो बदलता रहता है। ये प्रमाद दोष है, और विप्रदीप्सा ये तो बहुत बड़ा दोष है हम लोगों में। क्या विप्रदीप्सा माने? वास्तविकता को छुपाना, असलियत को छुपाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तमाम सारे दोष हैं, इसको हम छुपाते रहते हैं। कोई जाने ना, हम बड़े शरीफ हैं, बड़े भले आदमी हैं, ऐसा लोग जाने है, नहीं बनना भी नहीं चाहते, लेकिन लोग ऐसा लोग माने ये चाहते हैं। अगर बनना चाहते तो कब के महापुरुष बन गए होते। अरे ये तो बचपन से हमको पढ़ाया गया स्कूलों में, और माँ बाप ने भी, सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप नहीं, असत्य सम पातक कुंजा, सब जानते हैं, लेकिन बोलते हैं सब झूठ। न बोले तो कहते हैं कि काम ही नहीं चलेगा जी। अरे हम व्यापार करते हैं तो 10 रुपए के सामान को 11 बताते हैं तो 1 रुपया हमारी जेब में आता है, अगर हम 10 का 10 ही बताएंगे तो हो गया बंटाधार। एक सेठ जी थे, उनका लड़का कथा में नहीं जाता था, तो डाटा वाटा कई दिन उसको, तुमने कहा ठीक है चलूंगा मैं भी, तो जाने लगा। वहां हरिश्चंद्र का कथानक था, सत्यवादी हरिश्चंद्र ने भगवान को झुका दिया, इसलिए सबको सत्य का अवलंब लेना चाहिए। सत्यम बद धर्मं चर, वेद कहता है सत्यान प्रमदितव्यम, वेद कहता है। तो दुकान पर दूसरे दिन गया और ने कहा ये सामान कितने का है भाई? उसने सब सच बता दिया, ये इतने का है भैया। बाप सुन रहा था, ने कहा कुछ गड़बड़ है क्या इसका है? कुछ मेमोरी खराब हो गई है?
रोज तो ठीक बेचता था, आज ये कैसे उल्टी पलटी बात कर रहा है? एक सामान को कह दिया होगा। बड़े ध्यान से देखता रहा बाप, दूसरे सामान को भी ऐसे ही कह दिया। उसने कहा ये तो हो गया बंटा डार हमारी दुकान का। तो उसने कहा ए जा घर में, तेरी मम्मी बुला रही है। उसको दुकान से हटा दिया और घर आके वो झापड़ लगाया। बेवकूफ, ऐसे माल बेचेगा? हम दुकान का किराया कहां से देंगे, बिजली का, पंखे का, ये तमाम टैक्स कहां से भरेंगे, तुम लोगों का पालन कैसे करेंगे? तो पिताजी आते ही तो कहा था कथा सुना करो। अरे कथा सुनने का भी एक आइडिया होता है। क्या आइडिया? जब कथा सुनने बैठो तो अपने आंचल को कुर्ता कमीज जो भी हो ऐसे करके बैठो, और जब कथा समाप्त हो जाए तो ऐसे ऐसे कर दो, माने पंडित जी को अर्पित हो, अंदर न जाने पाए। तो ये वास्तविकता को छुपाने की आदत, ये भी प्रदीप्सा दोष। और करना पाटो चौथा दोष क्या है? अनुभव की कमी। अनुभव की कमी। जितने माइक जीव है, मायाबद्ध जीव है, सबका अनुभव लिमिटेड है, परिपूर्ण नहीं है किसी सब्जेक्ट में। जिंदगी भर एक आदमी एक सब्जेक्ट में लगा है फिर भी कहता है मैं अधूरे हूं। तो ये चार दोष होने के कारण जितने भी संसार के विद्वान है अपने को बड़ा जीनियस कहते हैं लेकिन मायाधीन है। तो वो ये सब जो कुछ मत बनाएंगे बनाया है सब गलत। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, शब्द प्रमाण के द्वारा समझो तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है। तो फिर हम लोगों ने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अवलंब लिया और पता लगा ये जीव ब्रह्म माया तीनों स्वतंत्र नहीं है। जीव माया दोनों ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म के अंश है और ब्रह्म के अधीन है, भगवान के अधीन है। और जीव के विषय में बहुत विस्तृत विवेचन हुआ। ये जीव अणु है, ये ना विभू है ना शरीराकार है, और ये जीव एक नहीं है, अनंत है, और अनंत जन्मों के संस्कारों से युक्त होकर संसार में आए हैं। अपरिमिता ध्रुवा तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्यते नियमो ध्रुव ने तरथा दत्तासीति भागवत। सचानंत्याय कल्पते श्वेता चतुरोपनिषद 5:9। हम लोग जो भोले भाले हैं कहते हैं कि भगवान ने संसार बनाया जब तो एक को मनुष्य बना दिया, एक को गधा बना दिया, एक को कुत्ता बना दिया। ऐसा क्यों? कोई जलचर, कोई भूचर, कोई खेचर, कोई स्वेदज, कोई अंडज, कोई उद्भिद, कोई जरायज, ये तमाम प्रकार का सृष्टि का वैषम्य, 84 लाख योनियों का, ऐसा क्यों? उस जीव ने क्या गुनाह किया था? अभी तो सृष्टि शुरू हुई है। हा वेद कह रहा है सूर्या चंद्रमस उधाता यथा पूर्व मकल्पयत दिवंच पृथ्वी चांतरिक्ष मथोस्व, नारायणोपनिषद 5:7। प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्च मय अनुशेरते 3:9-43 भागवत। ससर्जेदम स पूर्ववत
2:9:38 भागवत, जैसे सृष्टि पहले थी वैसे ही प्रकट कर दिया है भगवान ने, कुछ बनाया बनाया नहीं। वैषम्य नैर्घिण्येन सापेक्षत्वात् न कर्मा विभागादिति चेन्न अनादित्वात्। 2:1:34 2:1:35 वेदांत। अर्थात अनादिकाल के हमारे कर्मों के द्वारा महाप्रलय में हमारी जो स्थिति थी वैसे ही सृष्टि प्रकट कर दिए, कुछ बनाई बनाई नहीं भगवान ने अपनी जेब से। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, 5 दिन का होता है ना टेस्ट मैच होता है, तो एक दिन पहले दिन मान लो 2 आउट हो गए और एक खिलाड़ी ने 99 रन बनाया और टाइम हो गया शाम का, अंपायर ने सीटी बजा दी, छुट्टी। तो दूसरे दिन जैसे वो 2 आउट हो गए थे, वो आउट माने जाएंगे, और उसने 99 रन बनाया था, वहीं वो खड़ा होके आगे बनाएगा। यानी जहां समाप्त हुआ था पहले दिन वहीं से शुरू होगा। ऐसे ये सृष्टि है। जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते उनसे पूछो कि तुम्हारे भगवान ने ये घपड़ सपड़ क्यों किया है अलग अलग, हमारे भगवान ने तो कुछ बनाया ही नहीं, उन्होंने तो प्रकट किया है यथा पूर्वम। इसलिए न वैषम्य है और न नैर्घिण्य है, निर्दयी नहीं है भगवान, वो तो समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योस्ति न प्रिया, तो समदर्शी है। तो वो भगवान या ब्रह्म या परमात्मा अनेक रूपधारी है, वो स्वयं भी सच्चित आनंद स्वरूप है, दूसरे को भी अपने समान बना देता है, लेकिन जीव की पर्सनैलिटी सदा रहती है, जीव ब्रह्म नहीं बन सकता। संसार का प्राकट्य करना, संसार का रक्षण करना, प्रलय करना, ये तमाम कामें कार्य भगवान स्वयं करते हैं। हाँ, अपना ज्ञान अपना आनंद ये सब दे देते हैं। आपको ये सब बता करके और अंत में मैंने आपको ये बताया कि ऐसा वो हमारा अंशी, हमारा स्वामी, हमारी माँ, हमारा पिता, हमारा भ्राता, हमारा सर्वस्व, जिससे हमारा साधात्य सादेश्य सख्य और सायुज्य संबंध है, उस भगवान से हमारा मिलना कैसे हो। फिर चलो वेदों में, अमेव विदित्वा मृत्युमेत नान्य पंथा विद्यते जनाय, वेद ने कहा उसको ही, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एव माने होता है ही, यानी केवल, उस भगवान को जानकर ही पाकर ही क्या होगा, तमेव विदित्वा ति मृत्यु में, तुम अमर हो जाओगे, फिर मरोगे नहीं। ये जो डर है हम लोगों को मर न जाऊं, हर समय छोटे बच्चे को भी, जवान को भी, बूढ़े को भी, बीमार को भी, डॉक्टर ने हाथ उठा दिया फिर भी मरना नहीं चाहता। अब क्या हो, डॉक्टर ने तो हाथ उठा दिया, अरे वो ऐसा है कि एक बाबा जी है ना वहां, उनके पास जाओ वो आशीर्वाद दे देंगे, बैंड बैंड भाग दौड़ करता रहता है असंभव को संभव करने के लिए।
अरे गढ़े बता, आज तक कोई भौतिकवादी या कोई अध्यात्मवादी, कोई संत महात्मा इस संसार में बिना मरे रहा है? कोई है? नहीं, सब मरते हैं। अरे बड़े बड़े महापुरुषों के दादा भी चले गए। हाँ, भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य 32 साल की उम्र में चले गए। अब कोई कहे कि आप तो महापुरुष हैं, इच्छा मृत्यु है, अरे रहिए, संसार का कल्याण कीजिए, भगवान के लोक में जाके क्या करेंगे आप? फिर भी हम नहीं मरना चाहते, और जब मरे होंगे हम नहीं मरना चाहते। ऐसे भोले भाले उसको अभिनिवेश कहते हैं, एक क्लेश है सबको। तो जो भगवान को पालेगा मरेगा तो, लेकिन ये क्लेश नहीं होगा, और मरने के बाद सदा को क्लेश चला जाएगा, फिर जन्म नहीं होगा। यद्गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, 15:6 गीता। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, छांदोग्योपनिषद 8:1, जावाल्युपनिषद 22। सदा के लिए हो, सदा पश्यन्तु सूर्या, 6:7 सुबालोपनिषद, सोष्णते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपत्तिता। फिर वेद कहता है ये मंत्र श्वेताश्चतुरोपनिषद में 2 बार आया है, 1:3:8, 1:6:15। फिर श्वेताश्चतुरोपनिषद कहता है संयुक्त में तत्म चरण च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनिश्चात्मा बद्धते भोक्तृभावाद ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। पहले मंत्र ने कहा अमर हो जाओगे, दूसरे ने कहा 7 कष्ट समाप्त हो जाएंगे, सब त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोट सब की छुट्टी, और इन सब कष्टों की माता जी माया वो भी चली जाएगी। फिर कहता है श्वेताश्चतुरोपनिषद विश्वस्येकं परवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, 4:16, विश्वस्येकं परवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं शिवं शान्तिमत्यन्तमेति, 4:14 श्वेताश्चतुरोपनिषद अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः, 2:15 श्वेताश्चतुरोपनिषद तमीशानम बरदम दैवमीड्यम निचाय येवाम शांति मत्यंतमेति, शांति चाहते हो ना? हाँ जी, हमेशा टेंशन रहता है, हाँ, तो उसको जानना होगा। 4:11 नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधात कामान तत्कारणम योग सांख्याधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः, श्वेताश्चतुरोपनिषद 6:13 एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधायः करोति तमात्मस्थम येनुपश्यन्ते धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां, सुख चाहते हो ना? 6:12 एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां, कठोपनिषद 2:12 नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम दो विदधात कामान तमात्मस्तम येनुपश्यन्त धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषां,
कठोपनिषद 2:2-13 तम दुर्दर्शम गूढ़ मनोप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष अशोक जहाति हर्ष भी हाँ, हर्ष भी माया है, शोक भी माया है। हर्ष, अरे हर्ष माने तो आनंद होता है, हाँ हाँ होता है, लेकिन एक सात्विक हर्ष होता है और एक दिव्य हर्ष होता है, दो आनंद होते हैं। ये आत्मज्ञानियों को सात्विक आनंद मिलता है, ये योगियों को सात्विक आनंद मिलता है संप्रज्ञात समाधि में। तो वो सात्विक सुख जो है, आप लोग नाक को चिपटाते, हाँ आनंद मिल गया, आनंद, ये जो बार बार आपको दिन भर आनंद मिलता है, मिल गया चला गया, मिल गया चला गया, ये नौटंकी जो होती है, ये संसारी माइक सुख है, अनित्य सुख है, जड़ सुख है। तो ये नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, जो वैभूमा तत्सुखम सात्येष छांदोग्योपनिषद। फिर श्वेता चतुरोपनिषद आया, उसने कहा सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेन मृतत्वमेति। फिर आया श्वेताश्वतरोपनिषद, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो नीशया शोचति मुह्यमाना दुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमच्च महिमानमिति भीतशोका। ये दो पक्षी आपके हृदय में रहते हैं, द्वासुपर्णा सौजा सखाया 4-6। मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है 3-1-1। तो ये दो पक्षी में एक तो तुम हो, एक तुम्हारा बाप भगवान, यानी एक बालक तुम, एक बालक भगवान, ये दो पक्षी रहते हैं। तो ये जो जीव है ऐसे है, देखो ये हमारा हाथ, और ब्रह्म जो है ऐसे है, उसी के पीछे बिल्कुल। अगर ये जीव राइट अबाउट टर्न, लेफ्ट अबाउट टर्न घूम जाए, बस हो गया, गई माया, गया अंधकार, सब कुछ मिल गया। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देवलेका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। ये जो दूसरा पक्षी आपके हृदय में रहता है, तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात्, उसका ध्यान करो, फिर उसमें लीन हो जाओ, इतना प्यार करो, बस माया गई। रसो वैसा रसगम हे वायम लब्ध्वानंदी भवति। तैतरीयोपनिषद 2:7, आनंद चाहते हो, उसको पाना होगा, उसको, अपने स्वामी को, अपने अंशी को, अपने सर्वस्व को। देखो जितने सारे दुख हैं, उनकी जननी माया है, उसको पकड़ो। गीता कहती है, सुनो कंक्लूजन, दैवी हेशा ममयी, दैवी हेशा गुणमयी, मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्जुन कान खोल कर सुन ले, ये मेरी जो माया है ना, जानता है कैसी है, रितेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन तद् विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। इतना सुंदर निरूपण एक श्लोक में, रितेर्थम जत प्रतीयेत, भगवान कह रहे हैं जहां मैं नहीं रहता वहां माया रहती है, जहां मैं नहीं रहता वहां माया रहती है।
इसलिए मेरे पास भी नहीं रहती और मेरे संतों के पास भी नहीं रह सकती। लेकिन बिना मेरे माया का अस्तित्व भी नहीं रह सकता। जहां मैं नहीं है वहां माया रहती है और बिना मेरे माया कुछ नहीं कर सकती। देखो सूरज है उसकी परछाई पड़ती है जल में, तो उसकी किरणें सूरज से पृथक ही है, लेकिन सूरज के बिना किरण कहां से आएगी जो परछाई बनेगी। सूरज से संबद्ध है, कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती, लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि धामनास्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो माया उसी की जाएगी अर्जुन जो मामेवले प्रपद्यन्ते जो केवल मेरी ही 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 शरण में आएंगे, कर्मी हो ज्ञानी हो योगी हो कोई हो। बड़ी सीधी सी बात है, भगवान को जानना होगा पाना होगा और कोई गति नहीं। नान्य पंथा विद्यते, और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। तो फिर चलो वेदों में, वेदों के पास गए। हाँ भाई बताओ। हाँ हाँ ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, वेद के द्वारा ही उसको जाना जाएगा, बिना वेद के उसको कोई नहीं जान सकता। तो वेद कहता है अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न चास्ति वेत्ता, उसको कोई नहीं जान सकता। वेद ने जवाब दे दिया बिना मेरे उसको कोई नहीं जान सकता, लेकिन उसको कोई नहीं जान सकता। हे कैसे बोलते हैं आप जी मैं वेद हूं। अरे तो आप कहते हैं ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, बिना मेरे समझे उसको कोई नहीं जान सकता, और फिर आप ही कहते हैं नच तस्यास्ति वेत्ता, उस भगवान को कोई नहीं जान सकता। क्यों न तत्र चक्षुर गच्छति, ये 3:19 है श्वेताचतुरोपनिषद। न तत्र चक्षुर गच्छति न बाग गच्छति नो मन केनोपनिषद 1:3, वहां इंद्रियां भी नहीं जा सकती, वाणी भी नहीं जा सकती, मन भी नहीं जा सकता। और हमारे पास है क्या जिसको हम ले जाएं उसको जानने के लिए? यही तो हमारे पास मैटर है। हाँ होगा आपके पास है मैटर, लेकिन इन मैटरों से वो ग्राह्य नहीं हो सकता। क्यों फिर बताएंगे। बोले लाडली लाल की।